आज इस हिंदी दिवस समारोह पर उपस्थित हैदराबाद नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मंच पर आसीन परम सम्माननीय श्री लोनिया जी, मेरे सहयोगी भाई श्री धर्राव जी, अन्य सभी को मैं आज प्रणाम करता हूँ। हिंदी दिवस के इस आयोजन पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा व्याख्यान प्रारंभ करने के पहले भारत के दो महान क्रांतिवीरों को भाव से प्रणाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने हिंदी के लिए सारा जीवन अथक प्रयास किया। एक थे परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती, जो मूलतः गुजरात में पैदा हुए, जिनकी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन सारा जीवन हिंदी की स्थापना के लिए, हिंदी का गौरव बढ़ाने के लिए, हिंदी का सम्मान बढ़ाने के लिए काम करते रहे। और उनके द्वारा जो स्थापित संस्था आर्य समाज, उसने तो दक्षिण भारत में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में, हिंदी की स्थापना के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। एक समय था जब निजाम ने हिंदी पर पाबंदी लगाने का काम किया था, कोशिश की थी। उस समय आर्य समाजी लोगों ने सारे देश में से इकट्ठे होकर हिंदी की स्थापना का काम किया था। तो उन सभी आर्य समाजियों को प्रणाम करता हूँ, परम पूजनीय स्वामी दयानंद जी को भावपूर्वक प्रणाम करता हूँ, उनकी स्मृति को वंदन करता हूँ, जिन्होंने हमें हिंदी के सम्मान के लिए लड़ना सिखाया और उसका रास्ता दिखाया। दूसरे ऐसे ही एक महान व्यक्ति महात्मा गांधी, वो भी मूलतः गुजरात के थे और भाषा उनकी भी गुजराती ही थी, लेकिन पहली बार भारत देश में सन 1918 में 29 मार्च 1918 को महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि अब जल्दी ही हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई भाषा नहीं है जो राष्ट्रभाषा का स्थान ले सकती है। और ये महात्मा गांधी ने उस समय कहा था जब अंग्रेजों का दमन चक्र इस देश में चल रहा था, अंग्रेजी और अंग्रेजियत हावी थी, तब गांधी जी ने इसकी घोषणा की थी। और उसी के बाद से कांग्रेस ने इस हिंदी को महत्व देना और सम्मान देना शुरू किया था। आपको हैरान होने वाली बात कहूँगा कि 1918 के पहले कांग्रेस के ज़्यादातर प्रस्ताव अंग्रेजी में पास होते थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जितनी बैठकें हुई 1918 के पहले, ज़्यादातर प्रस्ताव अंग्रेजी में होते थे। जब महात्मा गांधी ने घोषणा की, उसके बाद से हिंदी में प्रस्ताव पास होने लगे और हिंदी का थोड़ा सा महत्व राजनीतिक लोगों के सामने बढ़ा। तो मैं महात्मा गांधी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत ताकत से, बहुत जोर से सारे देश में प्रयास किया और इस हद तक प्रयास किया कि किसी भी क्षेत्र में महात्मा गांधी गए 1918 के बाद, हर जगह हिंदी में बोले, हर जगह हिंदी में बोले। केरल गए तो हिंदी में बोले, यहाँ आंध्र प्रदेश आए तो हिंदी में बोले, कर्नाटक गए तो हिंदी में बोले। और एक दिन तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि सारी दुनिया को बता दो कि मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी भूल गया। आपको शायद ये सुनकर भी आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी की अंग्रेजी अंग्रेजों से अच्छी थी। वो जब अंग्रेजी लिखते थे और अंग्रेजी में कई बार बात करते थे 1918 के पहले, तो उनकी अंग्रेजी कई अंग्रेजों से अच्छी थी। वो महात्मा गांधी ने ये ऐलान कर दिया कि सारी दुनिया को बता दो कि मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी भूल गया, और वो सच में भूल गए। उसके बाद से 29 मार्च 1918 के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजी में बात की हो, या अंग्रेजी में लिखा हो, या अंग्रेजी में किसी को संबोधित किया। कई बार ऐसे मौके आए जब लंदन में उन्हें अंग्रेजों से बात करनी थी, तो भी उन्होंने हिंदी का आग्रह रखा, और अंग्रेजों ने कहा कि आप तो अंग्रेजी जानते हैं, तो उनका मैं भूल गया, जानता तो था, अब मैं भूल गया।
तो अंग्रेजों को उनकी हिंदी समझने के लिए दुभाषिया रखना पड़ा। ऐसे हिंदी के प्रबल आग्रही महात्मा गांधी, ऐसे ही प्रबल आग्रही परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती, इन दोनों को प्रणाम करते हुए मेरे व्याख्यान की शुरुआत करूंगा। हम सब हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को सारे देश में, और ये शायद हमें इस बात की याद दिलाने के लिए है कि हिंदी को अभी राष्ट्रभाषा का स्थान मिलना बाकी है। इसलिए हर साल हम अपने को तैयार करते हैं और अपने संकल्पों को नया करते हैं ताकि अगले एक साल तक जहाँ जहाँ संभव हो लड़ सकें। हमारे भारत का दुर्भाग्य है, सच बात है, कि आज़ादी के 64 साल के बाद भी हमारी राष्ट्रभाषा को हम संवैधानिक स्थान नहीं दिला पाए, और संवैधानिक स्थान चूंकि नहीं है हिंदी को, इसलिए सरकारी महकमे में, सरकारी कामों में हिंदी की इज्जत नहीं है। ये सच है कि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, हिंदी पढ़ी जाती है, हिंदी समझी जाती है सबसे ज़्यादा, और भारत के अलावा दुनिया में इस समय दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषाओं में दूसरे नंबर की भाषा है हिंदी। पहले स्थान पर मानी जाती है चीनी भाषा, 138 करोड़ लोग उसे बोलते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद करीब 120 करोड़ लोग हैं सारी दुनिया में जो हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, और इन 120 करोड़ में 100 करोड़ से ज़्यादा तो भारत में हैं और करीब 20 करोड़ भारत के बाहर हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं, जैसे मॉरिशस है, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है। सूरीनाम है, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है। ऐसे करीब 5-7 देश हैं भारत के अलावा। तो इन सभी देशों में और भारत में हिंदी बोलने, पढ़ने, समझने वालों की संख्या 120 करोड़ है। तो चीनी भाषा 138 करोड़ और हिंदी 120 करोड़। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है हिंदी, लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य ऐसा कि हम इसको संवैधानिक स्थान नहीं दिला पाए या संवैधानिक इज्जत नहीं दिला पाए। उसका कारण है, और वो कारण है हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में एक पुरानी बात कहते हुए शुरू करता हूं। जब हम आजाद होने वाले थे और अंग्रेजों ने ये तय कर लिया था कि भारत से वो चले जाएंगे, ये बात है सन 1945 के आसपास। 1945 में अंग्रेजों ने लगभग अगस्त के महीने में 15 तारीख को, 15 अगस्त 1945 को अंग्रेजों ने ये पक्का कर लिया था कि वो भारत से चले जाएंगे। उसी समय दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और जापान ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया था। भले जापान ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया हो, लेकिन अंग्रेजों की हालत बहुत खराब थी। एक तरह से कहा जाता था उस जमाने में कि दूसरा विश्व युद्ध जीतने के बाद भी वो हार गए थे, और हिटलर हारने के बाद भी जीत गया था। उसमें हुआ ये था कि इंग्लैंड पूरी तरह से तबाह हो गया था, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, राजनीति पूरी बिल्कुल नपुंसक और दिवालियापन की तरफ थी। इंग्लैंड में जो नेता थे इंग्लैंड के, वो एकदम निष्प्रभावी थे। विंस्टन चर्चिल, जो एक जमाने में कभी बहुत बड़ा आइकॉन माना जाता था, वो बिल्कुल निष्प्रभावी था। क्लेमेंट एटली बहुत बुरे हाल में था। तो राजनीतिक रूप से डावाडोल स्थिति थी, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया था इंग्लैंड। कारखाने बंद हो चुके थे, कंपनियां दिवालियां थीं, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, रोजगार खत्म हो गए थे, बेकारी बढ़ रही थी, अंधाधुंध अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था मंदी और मंदी और मंदी की तरफ जा रही थी। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को लगा कि भारत में रहना अब संभव नहीं है, क्योंकि भारत को संभालने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे थे उनके, और भारतवासियों ने उनका सहयोग करना बंद कर दिया था। भारतवासी जो उनको टैक्स दिया करते थे, वो उन्होंने बंद कर दिया था। तो अंग्रेजों को टैक्स मिल नहीं रहा था,
और भारत में ये स्वदेशी आंदोलन की इतनी जोरदार पूरे देश में लहर चल रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ बिक नहीं रहा था यहाँ पर, तो अंग्रेजी व्यापार लगभग खत्म सा हो गया था। भारत के लोगों ने टैक्स देना बंद करके अंग्रेजों की कमर तोड़ रखी थी, और यहाँ महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने लोगों से कह रखा था कि टैक्स नहीं देना, भले जेल में चले जाना, तो लोग उस पर आचरण कर रहे थे। तो हर तरफ से अंग्रेजों को लगा कि अब भारत में रहना संभव नहीं, तो उन्होंने तय कर लिया था कि भारत से चले जाना है। और ये बात अंग्रेजों ने अपने सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका को बताई थी। उस समय इंग्लैंड की पार्लियामेंट से अमेरिका के राष्ट्रपति को एक पत्र गया था, उसमें ये बताया गया, ये जो मैं कहानी कह रहा हूं ये सब उस पत्र में लिखा गया कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, सामाजिक स्थिति बहुत खराब है, हम भारत को अब ज्यादा दिन नियंत्रण में नहीं रख सकते, लिहाजा हमें भारत को आजाद करना है। ऐसा पत्र लिखा गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरफ से, उस पर लीडर ऑफ द अपोजिशन के भी हस्ताक्षर थे, माने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने मिलकर वो पत्र लिखा था। पत्र गया अमेरिका के राष्ट्रपति के पास। अब उसके बाद वहां से जो पत्र आया वो बहुत महत्व का है। जो दूसरा पत्र आया अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजों के प्रधानमंत्री और अंग्रेजों के विपक्ष के नेता को लिखा, और उसमें उन्होंने कहा कि आप भारत को आजादी दे रहे हो ठीक है, ये आपकी मजबूरी है क्योंकि अब ज्यादा दिन आप भारत पर राज नहीं कर सकते, लेकिन मेरा एक सुझाव हमेशा ध्यान रखें आप, और वो सुझाव ये है कि भारत को आजादी देने के बाद भी भारत को वेस्टर्न ऑर्बिट में ही रखना है। फिर से सुनाता हूं, वो अंग्रेजी का पत्र है, मैं हिंदी करके बता रहा हूं। अंग्रेजों को अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि भारत को आजादी दे रहे हैं, ये आपकी मजबूरी है, आप नहीं संभाल सकते, ठीक है मैं समझता हूं ये मजबूरी, लेकिन मेरा सुझाव है, एक तरह से वो ऑर्डर है, सुझाव नहीं वो आदेश है, कि मेरा आदेश है कि भारत को वेस्टर्न ऑर्बिट में ही रखना है, माने आजादी के बाद भारत अपने स्वदेशी के रास्ते पे ना जाने पाए, इसका ध्यान रखना है। आगे एक और वाक्य उसने लिखा कि अगर भारत आजाद होने के बाद अपने रास्ते चल पड़ा, जिसको हम स्वदेशी का रास्ता कहें, स्वराज्य का रास्ता कहें, स्वतंत्रता का रास्ता कहें, अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है उस पत्र में कि भारत आजाद होने के बाद अगर अपने रास्ते पर चल पड़ा तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। हम सबसे मतलब पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम भारत के ऊपर बहुत कुछ निर्भर हैं, और हम माने पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, तो हम भारत के ऊपर निर्भर हैं। अगर भारत ने अपना रास्ता बना लिया तो हम तो डूब जाएंगे, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। वो कह रहा है हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीति, हमारी दुनिया में चलने वाली दादागिरी, ये सब भारत के साथ रहने पर ही है। अगर भारत अलग हुआ और अपने रास्ते पे चल पड़ा तो दुनिया से तो हमारी दादागिरी जाएगी ही, हमारी अर्थव्यवस्था भी डूबेगी, हम भी डूबेंगे। ये पत्र अब तक सीक्रेट था, लेकिन अब ये पत्र खुला थोड़े दिन पहले। मुझे एक मेरे मित्र ने बताया, लंदन में रहते हैं, कि ऐसा एक पत्र यहाँ लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में। तो पिछले साल मैं लंदन गया था परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के साथ, ग्लासगो में हमारा एक केंद्र का उद्घाटन हुआ था, श्रीधर भाई भी थे, तो ये लोग तो जल्दी लौट आए। मैं 18 दिन रुका उसी पत्र के लिए कि मुझे वो देखना है, पढ़ना है।
और ना सिर्फ देखना है, पढ़ना है, बल्कि उसकी फोटोकॉपी करानी और समय आने पर सब भारतवासियों को दिखाना है। तो भारत की जो आज की दुर्व्यवस्था है उसके मूल में मैं उस पत्र को मानता हूं। हाँ, और थोड़े दिन में आस्था चैनल पर आपको मैं वो दिखाऊंगा पत्र, वो पत्र भी दिखाऊंगा आस्था पे, संस्कार पे, और उस पर मैं एक पुस्तक भी लिख रहा हूं, क्योंकि वो एक पत्र है, ऐसे हजारों पत्र हैं जो कभी विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका के राष्ट्रपति को लिखे, कभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने विंस्टन चर्चिल को लिखे, कभी एटली ने अमेरिका के राष्ट्रपति को लिखे, कभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने एटली को लिखे। अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में ये जो पत्राचार हुआ है, ऐसे शायद 20,000 पत्र होंगे, उनमें से कुछ अभी हमारे हाथ में आए हैं, उनको हम सारे देश के लिए सार्वजनिक करेंगे। तो हमारी आज की दुर्व्यवस्था की जड़ें कहाँ हैं वो हमें अंदाजा लगेगा। ये पत्र में बहुत स्पष्टता के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि आज़ादी दे दो भारत को, लेकिन रखना इसको वेस्टर्न ऑर्बिट में है। परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इस पत्र को अपनी नीति का आधार बनाया। एटली और चर्चिल दोनों ने मिलकर तय किया कि भारत की आज़ादी देनी है तो उसकी शर्तें क्या होनी चाहिए, कंडीशनल, शर्तों पर आज़ादी। आज़ादी कभी शर्तों पे न ली जाती है न दी जाती है, लेकिन भारत की आज़ादी शर्तों पे आई, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब ये कह दिया इनको, तो इनकी अकल में बात बैठ गई कि भारत को अपने साथ ही रखना है, क्योंकि इतना बड़ा बाजार है भारत, इतने बड़े पैमाने पर कच्चे माल का उत्पादक है भारत, और इतनी बड़ी जनसंख्या भारत की जो कंज्यूमर हो सकती है यूरोप और अमेरिका के सामानों की, दुनिया के किसी भी देश में संभव नहीं है। कई कारणों से वो भारत को अपने नज़दीक रखना चाहते थे, इसमें वो सफल हुए। और सफल कैसे हुए, जब उन्होंने आज़ादी दी हमें तो उसके लिए एक बाकायदा समझौता किया, ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट, और उसमें जो शर्तें रखी, उन शर्तों के चक्कर में आज तक हिंदी हमारी संवैधानिक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। शर्तें वहां हैं। हम कई बार सोचते हैं कि शायद हमारे नेताओं की अकल को कुछ कमी आई, या हमारी नेताओं की हिंदी निष्ठा कम हुई, या हमारे नेताओं में हिंदी प्रेम कम हुआ, या हमारे नेताओं में राष्ट्रभाषा के प्रति उतना सम्मान नहीं रहा। हमारे मन में शायद ये विचार आते हैं, इसीलिए हिंदी को संवैधानिक स्थान नहीं मिला। ये सब बातें दोयम हैं, बाद की हैं। मुख्य बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संसद को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि भारत को आज़ादी दे के भी अपने नज़दीक ही रखना है। वेस्टर्न ऑर्बिट एक मुहावरा है, और वो मुहावरे में सब कुछ आ जाता है। माने भारत की आज़ादी के बाद भारत की भाषा ना हो, भारत की भूषा ना हो, भारत का भोजन ना हो, भारत का भजन ना हो, भारत की भेषज ना हो, भारत का कुछ भी ना हो, बस भारत आज़ाद हो, नाम के लिए, कहने के लिए, बाकी भारत का कुछ ना हो। जो भी कुछ हो वो अंग्रेजों का हो, अंग्रेजों की भाषा हो, अंग्रेजों की भूषा हो, अंग्रेजों का भोजन हो, अंग्रेजों का भजन हो, अंग्रेजों की भेषज हो, सब कुछ अंग्रेजों का हो, बस भारत कहने को आज़ाद हो। तो उसी तरह की आज़ादी हमने ली, आधी अधूरी। ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट पे हमने समझौता किया और उसमें अंग्रेजों की उन सब शर्तों को मान लिया जो हमारे लिए बहुत शर्मनाक। परिणाम ये हुआ कि भारत की आज़ादी के बाद भी भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, क्योंकि अंग्रेजी ने वो जगह अभी तक खाली नहीं की इस देश के लिए। भारत के लोगों की भूषा आज हम सब देखें अपने अपने आप को, ये आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपनी मानसिकता को
समझने की दृष्टि से कह रहा हूं कि ज्यादातर पढ़े लिखे भारतवासियों की भूषा क्या है, वही अंग्रेजों का शर्ट, अंग्रेजों की पैंट, अंग्रेजों की टाई, अंग्रेजों का कोट, अंग्रेजों की नेक टाई, अंग्रेजों का ओवरकोट, अंग्रेजों का पी कैप, वही तो भूषा है पढ़े लिखे लोगों की। ये ठीक है कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा स्वदेशी हैं, ज्यादा भारतीय हैं, और वो शायद इसलिए ज्यादा स्वदेशी ज्यादा भारतीय हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है। पढ़ लिख जाते तो शायद वो भी चले जाते उधर ही, जैसे हम चले गए। तो हमने जो आजादी लाई उसी में खोट है, उसी में अधूरापन है, और वहीं गड़बड़ी है। अगर ये ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट नहीं होता, सत्ता के हस्तांतरण का समझौता नहीं होता, तो शायद भारत कुछ और होता। दुनिया में भारत के पहले 70 देश अंग्रेजों के गुलाम हुए, उन सभी देशों ने आजादी पाई अंग्रेजों की गुलामी से, लेकिन किसी भी देश ने अंग्रेजों के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया। अंग्रेजों ने कोशिश की, लेकिन किसी भी देश ने ऐसा समझौता मानने से इनकार कर दिया। सबसे आखिर में जो देश आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, जिसको हम दक्षिण अफ्रीका कहते हैं, वहां की जनता ने भी अंग्रेजों से कोई समझौता करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि हम आजाद होंगे तो अपनी शर्तों पर, अंग्रेजों की शर्तों पर नहीं। लेकिन भारत एक ऐसा देश जिसने अंग्रेजों से आजादी के लिए समझौता किया, और उस समझौते के आधार पर अंग्रेजों ने कानून बनाया, उस कानून के हिसाब से भारत को आजादी दी गई। उस कानून का नाम है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। 3 जुलाई 1947 को यह कानून ब्रिटेन की संसद में पास किया गया, और उसके बाद भारत को आजादी दी गई। अब जरा सोचो तकनीकी रूप से कि किसी कानून के आधार पर हमको आजादी मिली है, कल को लंदन की संसद उस कानून को वापस ले ले, रद्द कर दे, तो क्या होगा? ये अलग बात है कि अब अंग्रेजों में उतना दम नहीं बचा कि वो यहां आकर हम पर राज कर पाए, वो बहुत कमजोर हो गए हैं, देश बहुत कमजोर हो गया है, सारी दुनिया में उनकी दादागिरी खत्म हो गई है, सारी दुनिया से उनका दबदबा खत्म हो गया है, ये सही बात है। लेकिन तकनीकी प्रश्न है वो ये कि कल को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अगर रिपील कर दिया जाए, जिसके आधार पर आपको आजादी मिली, तो आपकी हैसियत क्या होगी? बहुत गंभीर प्रश्न है। और ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसी की जड़ में है हिंदी राष्ट्रभाषा ना बने, इसी की जड़ में अंग्रेजी ही भारत पर लदी रहे, इसी की जड़ में है, इसी की जड़ में है कि भारत का समाज 2 संप्रदायों के आधार पर बटे, हिंदू और मुसलमान। दुनिया में किसी भी देश के बंटवारे संप्रदायों के आधार पर नहीं हुआ करते, किसी भी देश में, भारत में हुआ बंटवारा वो इसी कानून के आधार पर। अब हमारे देश की संसद में जब जब मैंने ये सवाल उठाया, संसद में मतलब सांसदों से, वो कहते राजीव भाई हमारा तो संविधान लागू हो गया ना 1950 को, तो अब इसका तो कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा आप तकनीकी रूप से ये कह रहे हैं कि हमने संविधान लागू कर लिया तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्रियात्मक रूप से तो सब कुछ वही दिख रहा है इस देश में जो लिखा गया है। हमारी सरकार के कई जिम्मेदार मंत्रियों से मैंने इस विषय पे बात की कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का क्या है, अगर हम वापस अंग्रेजों से ये अनुनय विनय ना करें या अंग्रेज हमारी बात ना माने और वो रिपील कर दें तो क्या है? तो कहते हैं जी हमने तो संविधान लागू कर लिया 1950 से अपना, तो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट की जो कंडीशन है वो आपने खत्म क्यों नहीं की इस देश में? एक तरफ सरकार हमको समझाती है कि भाई हमने 1950 26 जनवरी को अपना संविधान लागू कर लिया, अब ये ट्रांसफर ऑफ पावर
एग्रीमेंट जो है वो निष्प्रभावी है, ठीक है मैं मान लेता हूं आपकी बात सच है, तो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट की कंडीशंस क्यों लागू हैं इस देश पर? ट्रांसफर ऑफ पावर में लिखा गया कि अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी भारत में चलेगी, क्यों चल रही है अंग्रेजी भारत? आप कहते हो कि हमने भारत का संविधान लागू किया, तो अंग्रेजों की शर्त को पहले खत्म करो तभी तो भारत के संविधान का कोई मतलब है। अंग्रेजी अभी भी चल रही है। ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में कहा गया कि अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजों का ये प्रशासनिक ढांचा ICS जिसको हम आजकल IAS कहते हैं, IPS, IRS, IFS, ऑल इंडिया सर्विसेज के ये जो कैडर में सारा है, ये वैसे का वैसे ही चलेगा अंग्रेजों के जाने के बाद, क्यों चल रहा है? अगर आपने भारत का संविधान लागू कर दिया तो भारत के संविधान में ये ICS की जगह क्यों है अभी भी, जो अंग्रेजों के जमाने में थी गुलामी के लिए? फिर इससे भी ज्यादा, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून क्यों लागू हैं अभी भी इस देश में? हमारे किसान रोज लाठियां खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं अंग्रेजों के कानून के खिलाफ संघर्ष करते हुए, जिसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। 1840 में बना, डलहौजी ने इसको लागू कराया और 1894 में इस कानून को और कड़ा करके लागू किया गया, तब से लेके लगातार ये चला आ रहा है। और आप कहते हो कि हमने भारत का संविधान लागू कर लिया, तो मजाक किया आपने तो भारत के संविधान के साथ और धोखा दिया भारत के लोगों को। धोखा क्या दिया? संविधान में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस पूरे संविधान को आत्मार्पित करते हैं, और कभी भारत के लोगों से पूछा नहीं आपने कि ये लोग इस संविधान को आत्मार्पित कर रहे हैं या कुछ नेता जो अंग्रेजों के प्रभाव में है वो इस संविधान को आत्मार्पित कर रहे हैं। आपको मालूम है हमारी जो संविधान सभा बनी उसमें 85% से ज्यादा नेताओं को अंग्रेजों ने सेलेक्ट किया संविधान सभा के लिए, अंग्रेजों ने सेलेक्ट किया, और अंग्रेजों ने चुन चुन कर उन नेताओं को संविधान सभा में रखा जो अंग्रेजों के हमेशा से समर्थक थे और अंग्रेजों को आदर्श मानते थे। संविधान सभा में ऐसे नेता रखे ही नहीं गए जो अंग्रेजों की हमेशा से खिलाफत करते थे और अंग्रेजों के धुर विरोधी थे, उनको रखा ही नहीं गया। बहुत नेता थे ऐसे इस देश, अब नाम लेने की जरूरत नहीं। तो हमारे देश का संविधान बना उन लोगों के द्वारा जो अंग्रेजों ने चुने थे, और अंग्रेजों ने बनाया था एक ड्राफ्ट जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जब बहस हुई थी ब्रिटेन की संसद में, तो उस बहस का एक वाक्य सुनाता हूं आपको। सारे ब्रिटेन के सांसद अंग्रेजों की लोकसभा में ये कह रहे थे कि भारत को 1000 साल तक गुलाम बनाकर रखने के लिए इससे अच्छा कानून नहीं हो सकता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1000 साल तक भारत को गुलाम बनाकर रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अच्छा कोई कानून नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने ये कानून 1935 में पास किया और भारत में इसको लागू कराया। और भारत की संविधान सभा ने इसको संविधान की आत्मा बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आप किसी दिन चाहें तो एक छोटा सा प्रयास करें, कोशिश करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कॉपी किसी भी कानून की पुस्तक बेचने वाली किताब की दुकान में मिल जाएगी, आप ले लो 1935 के, और भारत के संविधान की प्रति कहीं भी मिल जाएगी, दोनों के एक एक पन्ने मिलाते जाओ तो आपको पता चलेगा कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदला गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सारे प्रावधान भारत का संविधान बन गए, बहस भी नहीं हुई कि हम कर क्या रहे हैं। अब हुआ क्या कि एक तरफ हमने भारत के लोगों से यह कहा कि हमने हमारा संविधान बना लिया है और उसको 26 जनवरी 1950 को आत्मार्पित कर लिया है, दूसरी तरफ उस संविधान में वो सारी शर्तें आपने रखी जो अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में रखी थी,
तो ये एक तरह से भारत के करोड़ों लोगों के साथ धोखा। और जब अब मूल बात पे मैं आता हूं, जब संविधान सभा में ये बहस आई कि भाई कानून कौन से होंगे, तो बना दिया कि जो अंग्रेजों ने लगाए हैं वही कानून हम चलाते रहेंगे, तो बात खत्म हो गई वहीं पे। कुछ बहस करने की कोशिश की गई तो मैं बताऊंगा। अब जब बात शुरू हुई संविधान सभा में कि कानून कौन से होंगे, तो सबने मिलके तय कर लिया, 319 सदस्य हमारी संविधान सभा में एक मत पर सहमत हो गए कि थोड़े दिन तो यही कानून चलाओ जो अंग्रेजों ने बनाए। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न आया कि प्रशासन कैसा होगा, तो 319 सदस्य इस पर सहमत हो गए कि थोड़े दिन यही प्रशासन चलाओ जो अंग्रेजों ने चलाया, ICS, IFS, IRS, IPS, इसी से चलाओ। फिर बात आई कि भाषा, तो उनका भाषा वही है जो अंग्रेजों ने चलाई, तब बवंडर खड़ा हुआ। और गांधी जी की जो बात आपने पूछी, यहां गांधी जी ने कहा कि अगर ये संविधान बन रहा है भारत का, गांधी जी तो पहले ही यहां से चले गए संविधान पूरा होने से पहले, लेकिन संविधान बनने की प्रक्रिया महात्मा गांधी के सामने शुरू हो गई थी। संविधान सभा की कुछ बैठकें गांधी जी के जिंदा रहते रहते हो चुकी थी, तो उन बैठकों में जब ये बात आने लगी कि कानून वही जो अंग्रेजों के बनाए हुए, प्रशासन वही जो अंग्रेजों का बनाया हुआ, संसद वही जो अंग्रेजों की बनाई हुई, फिर जब भाषा की बात आई तो उसमें तय कर लिया इन सब सदस्यों ने मिलके कि भाषा वही जो अंग्रेजों ने चलाई, माने अंग्रेजी, हिंदी की बात ही कोई ना करे। तब गांधी जी के सामने ये बात आई तो उन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया, बहुत गुस्से में उन्होंने कहा, जवाहर इस संविधान को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दो। ये था गांधी जी का रोष। पंडित नेहरू ने कहा कि बापू ये तो हम बड़ी मेहनत से बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम भारत को दोबारा गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हो, संविधान नहीं बना रहे हो, और ये भारत अब जो गुलाम बनेगा वो गुलामों का गुलाम होगा। पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम, अब की बार गुलामों का गुलाम। तो नेहरू जी के समझ में नहीं आया, तो गांधी जी ने कहा कि देखो तुम अंग्रेजों के गुलाम और भारत तुम्हारा गुलाम, तो गुलामों का गुलाम। तो गांधी जी कह रहे हैं कि ये स्थिति तो बहुत खराब है, इसको तो रद्दी की टोकरी में फेंको। और गुस्से में उन्होंने कहा कि नहीं फेंका तो मैं जलाऊंगा फिर इसको, और तुम याद रखो कि फिर ये संविधान जलाने के जुर्म में मैं गिरफ्तार होऊंगा और मेरी जगह तुम्हारी जेल में होगी, मैं तुम्हारी जेल में रहूंगा जैसे अंग्रेजों की जेल में रहता था। उसके थोड़े दिन बाद गांधी जी की हत्या हो गई, वो सब कहानी आप जानते हैं। गांधी जी के चले जाने के बाद गांधी जी के जो परम शिष्य माने जाते हैं इस देश में, आचार्य विनोबा भावे, उनके सामने ये संविधान तैयार होकर प्रस्तुत किया गया, क्योंकि 1950 में गांधी जी तो जीवित नहीं थे, आचार्य विनोबा भावे थे, और गांधी जी उनको बोल कर गए थे कि ये मेरा पहला सत्याग्रही, पहला शिष्य। तो सारा देश महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य विनोबा जी को देखता था, और इसी क्रम में आचार्य विनोबा जी को सारे देश में भूदान आंदोलन के लिए जन समर्थन मिला था। तो जब विनोबा जी के सामने ये संविधान तैयार होकर आया, अच्छे से बढ़िया कॉपी बना के जिल्द विल्द चढ़ा के, तो उन्होंने पढ़ा और देखा, तो उन्होंने कहा इसमें तो बापू की एक भी बात नहीं। बापू हिंदी की बात करते थे, हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसमें हिंदी का कोई प्रोविजन ही नहीं है, प्रावधान नहीं। बापू कहते हैं ग्राम स्वराज होना चाहिए, इसमें तो कहीं कोई जगह नहीं है उसके लिए। बापू कहते थे कि सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए, यहां तो सब कुछ विदेशी दिख रहा। तो आचार्य विनोबा भावे जी ने बहुत कड़ा पत्र लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और वो पत्र इतिहास में दर्ज है। उन्होंने कहा कि मैं भी इस संविधान को जलाना चाहूंगा, और इसको रद्दी की टोकरी में तो मैंने फेंक ही दिया है, जलाऊंगा तब जब तुम अभी नहीं मानोगे।
तो हमने सारे देश को कहा कि हमने संविधान लागू कर दिया, और ये बोलकर अंग्रेजों के किए हुए दस्तावेज और समझौतों को हमने ढक दिया ताकि बहस ना चले इस देश में, क्योंकि बहस चलती और वो यही चलती कि आजादी का मतलब क्या, जब अंग्रेजों की शर्तों पर हम अपने देश के रास्ते बना रहे हैं तो आजादी का मतलब क्या। तो भारत में ऐसी कोई बड़ी बहस ना चले इसके लिए संविधान ले आए, और संविधान में वो सब उन्होंने डाल दिया जो अंग्रेज चाहते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से, हजार साल भारत को गुलाम रखने के लिए। इसलिए हिंदी अभी तक हमारे संविधान की भाषा नहीं बन पाई, इसलिए हिंदी को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और अंग्रेजों से किया गया ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट दोनों हिंदी विरोधी हैं, हिंदी को नकारते हैं। क्योंकि हिंदी को अंग्रेज इसलिए नकारते हैं कि हिंदी अगर भारत में आती है तो भारत अपने रास्ते पर चल पड़ेगा, क्योंकि कोई भी देश अपना रास्ता बनाता है तो उसकी नींव राष्ट्रभाषा मातृभाषा यही होती है। हम अपना भवन निर्माण करें कितना भी अच्छा कितना भी सुंदर, भवन की जो नींव है वो राष्ट्रभाषा है। किसी भी राष्ट्र की जो बड़ी इमारत हमें दिखाई दे भव्य से भव्य, उस इमारत के जो नींव के पत्थर हैं वो उस राष्ट्र की भाषा है। बिना राष्ट्र की भाषा के राष्ट्र गूंगा है, बिना राष्ट्र की भाषा के राष्ट्र अधूरा है, बिना राष्ट्र की भाषा के राष्ट्र बेतरतीब है, अव्यवस्थित है। और हिंदी अगर आ जाए तो ये राष्ट्र व्यवस्थित हो जाए, इसकी दिशा ठीक हो जाए, इसकी दशा ठीक हो जाए, ये अपने स्वदेशी के रास्ते पर चल पड़े और ये शायद दुनिया में सबसे आगे निकल पड़े, ऐसी संभावनाएं हैं। इसलिए अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को आजाद कर दो लेकिन रखना वेस्टर्न ऑर्बिट में, ताकि हम अपने स्वदेशी रास्ते पे ना चल पड़े। हिंदी इसलिए हमारे संविधान की भाषा नहीं बन पाई, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। और फिर जब बहुत ज्यादा हंगामा मचा, एक बहुत महान व्यक्ति उनका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, आचार्य राम मनोहर लोहिया। महात्मा गांधी के चले जाने के बाद इस देश में हिंदी के सवाल पर सबसे प्रखरता के साथ जिन्होंने सारे देश को झकझोरा वो आचार्य राम मनोहर लोहिया, उनके एक सहयोगी अच्युत पटवर्धन, उनकी एक सहयोगी अरुणा आसफ अली, इनके एक सहयोगी परम सम्माननीय जयप्रकाश नारायण, ये चार पांच लोगों का एक समूह हुआ करता था जो नेहरू जी के साथ होते हुए नेहरू जी का विरोधी था। और इस समूह ने दबाव बनाया कि महात्मा गांधी बोलकर गए हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, अब क्यों नहीं हो रही है, क्या देर हो रही है, तो संविधान पढ़ के सुना दिया गया। तो जब बार बार ये बात आने लगी तब हमारे देश के संविधान को बनाने वाले नेताओं ने अपनी शर्म को छुपाने के लिए एक संविधान में संशोधन करके एक प्रावधान डाल दिया कि 15 साल के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाएगा। जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ा तब, और ये दबाव को एक तरफ से निष्प्रभावी करने के लिए हमारे दिल्ली के नेताओं ने दक्षिण के नेताओं को भड़काया हिंदी के खिलाफ। आप सभी जानते हैं तमिलनाडु में आंदोलन चला, वो दिल्ली के नेताओं ने भड़काया उस आंदोलन को कि तुम आंदोलन करो हिंदी के खिलाफ, वो तैयार नहीं थे करने को, भड़काया उन्होंने। और भड़काया क्यों, क्योंकि अंग्रेजों से उन्होंने तय कर लिया था कि भारत आजाद होगा तो हिंदी नहीं आएगी भारत में, यही थी शर्त ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट की। तो अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी निभाना और अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी को साबित कराना, इसके लिए इन्होंने दक्षिण के लोगों को भड़काया, कुछ नेताओं को, उन्होंने हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया। उस आंदोलन की गूंज लोकसभा राज्यसभा में हुई और ये कहा कि देखो हिंदी लागू हुई तो सारे देश में आग लग जाएगी।
तो संविधान में एक ऐसा प्रावधान डाल दिया गया जिसके कारण हिंदी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। अब वो प्रावधान यह है कि हिंदी राजभाषा तो है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तब तक नहीं है जब तक कि भारत के सभी राज्य इसके लिए अपनी सहमति ना दें, तब तक हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। और राज्यों को नीचे यह कह दिया गया कि कभी मत देना सहमति। हमारे पास वो चिट्ठियां हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा लिखी गई तमिलनाडु के नेताओं को। शर्म आती है कि वो चिट्ठियां प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी हुई हैं। शर्म आती है। एक तरफ लोगों को यह कहा जा रहा है कि आप शांत रहो, धीरज रखो, हम हिंदी को स्थान दिलाएंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठियां आ रही हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कि आप होने मत देना। तो ये मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा ना, 120 करोड़ लोगों से धोखा, हमारे देश के लोगों से धोखा, हमारे लोगों द्वारा, नेताओं के द्वारा, ये है हमारी आजादी की कहानी। तो संविधान में हमारे आंसू पोंछने के लिए डाल दिया कि 15 साल के बाद हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि सभी राज्य उसके लिए सहमति दें। तो वो 15 साल अभी तक पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कोई राज्य सहमति देने को तैयार नहीं है, क्योंकि राज्यों को पहले से कह दिया गया देना मत सहमति। हां, तो हिंदी फंस गई। इसलिए हिंदी हमारे संविधान की भाषा या संवैधानिक दर्जा अभी तक हासिल नहीं कर पाई। ये चालबाजी, ये धोखाधड़ी भारत के उन लोगों के साथ जिनका वोट लेकर हमारे नेता 64 साल संसद में बैठते रहे, उन लोगों से धोखाधड़ी। और उस देश में धोखाधड़ी जहां 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी जानते हो, हिंदी समझते हो, हिंदी पढ़ते हो, हिंदी लिखते हो, 100 करोड़ से ज्यादा लोग, उस देश के साथ ये धोखाधड़ी। थोड़ा आगे बढ़ूं, इस धोखाधड़ी को बनाए रखने के लिए कुछ कुतर्क विकसित किए गए। उनमें से पहला कुतर्क ये कि हिंदी वैज्ञानिक भाषा नहीं है। अंग्रेजी हम इसलिए लगाए हुए हैं इस देश में कि हिंदी की भाषा वैज्ञानिकता वाली नहीं है, और ये सिद्ध कर दिया कि अंग्रेजी बहुत वैज्ञानिक है। मैंने इस पे थोड़ा अभ्यास किया कि अंग्रेजी कितनी वैज्ञानिक है, तो पता चला अंग्रेजी हिंदी से भी गई बीती है। मैं आपको सच जानकारी दे रहा हूं, अंग्रेजी से भी गई बीती, माफ करना, हिंदी से भी गई बीती अंग्रेजी है विज्ञान के मामले में। किसी देश की भाषा की वैज्ञानिकता का आधार होता है कि उस भाषा में विज्ञान की कितनी पुस्तकें लिखी गई, कितने शोध प्रबंध, जिनको आप रिसर्च पेपर कहते हैं, वो प्रस्तुत किए गए, और कितने ज्यादा विज्ञान के शब्दों को समाहित करने की ताकत उस भाषा में है। अंग्रेजी का हाल तो बहुत खराब है। आपको मालूम है दुनिया में सबसे कम विज्ञान की पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में ही लिखी गई हैं पूरी दुनिया। अगर विज्ञान में लिखी जाने वाली पुस्तकों को आधार बनाएं तो सबसे ज्यादा विज्ञान की पुस्तकें लिखी गई हैं रूसी भाषा में, सबसे ज्यादा विज्ञान और गणित, गणित भी विज्ञान का ही हिस्सा है। तो विज्ञान और गणित में सबसे ज्यादा पुस्तकें हैं रूसी भाषा में, और अंग्रेजी का नंबर अगर हम लगाएं तो रूसी भाषा के बाद फ्रेंच आती है, फ्रेंच के बाद जर्मन आती है, जर्मन के बाद स्पेनिश आती है, उसके बाद हिंदी का नंबर है, अंग्रेजी का नंबर तो 10वां है। सबसे बड़ा झूठ फैलाया पूरी दुनिया में कि अंग्रेजी वैज्ञानिकों की भाषा है, बिल्कुल नहीं है। आपको सुनकर हैरानी होगी, इंग्लैंड में जितने बड़े वैज्ञानिक हुए, इंग्लैंड से मतलब ब्रिटेन पूरा, इंग्लैंड, आयरलैंड और न्यू साउथ वेल सब मिला के मैं इंग्लैंड की बात करूंगा, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में जितने वैज्ञानिक हुए
उनमें से किसी ने अंग्रेजी में काम नहीं किया। ज्यादा ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने काम किया स्कॉटिश में। स्कॉटिश अंग्रेजी से अलग भाषा है, आपको मालूम। अधिकांश वैज्ञानिक स्कॉटिश हैं, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, स्कॉटिश में काम किया उन्होंने। और दूसरे नंबर पर जितने वैज्ञानिक हैं ब्रिटेन में, वो हैं आयरिश भाषा के, आयरलैंड की भाषा आयरिश। तो या तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने आयरिश में काम किया, आयरिश अलग भाषा है, अंग्रेजी से बिल्कुल अलग है, स्कॉटिश अलग है अंग्रेजी से। स्कॉटिश आयरिश में सबसे ज्यादा पुस्तकें बनी, शोध प्रबंध प्रस्तुत हुए। ये तो अंग्रेजों की चालाकी है कि स्कॉटिश और आयरिश शोध प्रबंधों को और पुस्तकों को उन्होंने अंग्रेजी में भाषांतर करके सारी दुनिया में प्रस्तुत कर दिया कि देखो ये अंग्रेजी का है। अंग्रेजी का तो वो है ही नहीं। तो सबसे बड़ा झूठ कि अंग्रेजी वैज्ञानिक भाषा बिल्कुल नहीं है। अब दूसरे नंबर पर एक और बड़ा झूठ सारी दुनिया में बोला गया भारत के लोगों को समझाने के लिए। हम हिंदी की बात करें ना तो चुप हो जाए कि हिंदी की वैज्ञानिकता बहुत कम है, अंग्रेजी की बहुत ज्यादा। ज्यादातर पढ़े लिखे भारतवासियों से जब बहस करो ना तो वो यही तर्क देना शुरू करते हैं। तर्क क्या कुतर्क कि जी अंग्रेजी में ही पढ़ाई हो सकती है, हिंदी में नहीं हो सकती, क्योंकि भाषा की ताकत अंग्रेजी की ज्यादा है, हिंदी की कम है। क्योंकि जो हम पाठ्यक्रम पढ़ते हैं वो अंग्रेजी में अच्छा है, हिंदी में बेकार है। और इस तर्क की सच्चाई को जब परखते हैं, जांचते हैं, तो पता चलता है कि अंग्रेजी पाठ्यक्रम जो आप पढ़ते हो 5 साल में, अगर पूरी ईमानदारी से सरल और बोधगम्य हिंदी में वो पाठ्यक्रम मैं कर दूं, तो जो 5 साल में आप पढ़ रहे हो वो 2 साल में पढ़ लोगे। 3 साल का समय बच जाएगा, दिमाग का खर्चा बचेगा, पैसे का खर्चा बचेगा, और आपकी मेहनत बचेगी। जो 5 साल में पढ़ रहे हो वो 2 साल में पढ़ लोगे। क्यों? क्योंकि विज्ञान को सरल तरीके से समझाने में हिंदी जितनी समर्थ है वो अंग्रेजी है ही नहीं। और पाठ्यक्रम जो है सरल तरीके से आप समझ पाओ तो जल्दी खत्म होगा, नहीं तो उसके जो भारी भारी शब्द है ना उनकी परिभाषा करने में ही आधा समय निकल जाता है। सबसे बड़ा झूठ भारत में फैला दिया, और इस झूठ को फैलाने में सरकार, सरकारी तंत्र के अधिकारी, हमारी सरकार के बड़े बड़े नेता जो नहीं चाहते कि हिंदी आए, उनका ये सारा कुचक्र, साजिश, षड्यंत्र, क्योंकि ये सब समझ के किया जा रहा। फिर एक कुतर्क फैलाया गया भारत में, हिंदी जो है ना कला संस्कृति, माफ करना, अंग्रेजी कला संस्कृति की भाषा है, हिंदी से अच्छी है। अब अंग्रेजी में हमने ढूंढना शुरू किया कि कला और संस्कृति में क्या लिखा गया, क्या छापा गया, तो आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि सारी दुनिया में कला और संस्कृति के जो विषय माने जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा साहित्य है फ्रेंच भाषा का, पूरी दुनिया। जितने नाटक लिखे गए हैं फ्रेंच में किसी में नहीं है, जितनी कहानियां लिखी गई हैं फ्रेंच में किसी में नहीं, जितनी कविताएं लिखी गई हैं फ्रेंच, सारी दुनिया में फैला दिया इन्होंने कि हिंदी जो है ना सभ्य लोगों की, माफ करना, अंग्रेजी सभ्य लोगों की भाषा और हिंदी जैसे असभ्य लोगों की भाषा। तो अब ये सभ्यता का मापदंड क्या होता है भाई, जरा इसको देखा जाए कि सभ्य किसको कहते हैं, असभ्य किसको कहते हैं। तो आप सभ्य और असभ्य की परिभाषा ऐसे लगाओ कि गालियां जिस भाषा में जितनी ज्यादा वो उतनी असभ्य, यही तो, और गालियां जिस भाषा में जितनी कम वो उतनी सभ्य। अंग्रेजी जितनी गालियां पूरी दुनिया में किसी भाषा में नहीं, जितनी गालियां अंग्रेजी में हैं उतनी गालियां दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। तो अंग्रेजी तो सबसे असभ्य भाषा है। और संयोग की बात कुछ ऐसी है कि दुनिया में सबसे कम गालियां हैं वो हिंदी में ही है, सबसे कम, सबसे ज्यादा गालियां अंग्रेजी में।
तो ये तर्क भी झूठा। और एक तर्क फैला गया, कुतर्क सारे देश में, दुनिया में, कि ये जो अंग्रेजी है, ये अंग्रेजी बुद्धिमानों की भाषा है, बुद्धिमानों की भाषा। अंग्रेजी में एक शब्द है इंटेलेक्चुअल, उनकी भाषा है। हमने ढूंढना शुरू किया कि भाई अंग्रेजी में कितने बुद्धिमान और विद्वान हुए हैं, तो सबसे कम विद्वान और बुद्धिमान अंग्रेजी में ही है सारी दुनिया। जब ब्रिटेन का अध्ययन किया मैंने, तो पता चला सबसे ज्यादा बुद्धिमान और विद्वान स्कॉटिश में है, आयरिश में है, और वेल्स एक जो एरिया है ना, एक क्षेत्र है न्यू साउथ, वहां की अपनी भाषा है वेल्स। तो वेल्स में, आयरिश में, स्कॉटिश में सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। अंग्रेजी तो इंग्लैंड में ये सुनने में आता है कि अंग्रेजी तो मूर्खों और गवारों की भाषा है। सच में कह रहा हूं, इंग्लैंड में एक जमाने में जो गडरिये होते थे, घास चराने वाले, भेड़ बकरियों को, उनकी भाषा होती थी अंग्रेजी, और उनकी सामान्य बोलचाल की भाषा के शब्द हैं अंग्रेजी में, इसलिए सबसे ज्यादा। सब तरह के कुतर्क फैला दिए सारे देश। फिर एक आया, अंग्रेजी का शब्द भंडार बहुत बड़ा है, समृद्ध भाषा, अंग्रेजी समृद्ध भाषा। अब अंग्रेजी के शब्द भंडार को हमने खोज लिया। जब से अंग्रेजी आई, एक तो अंग्रेजी आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, आपको मालूम है अंग्रेजी बिल्कुल नई भाषा है, ज्यादा पुरानी नहीं। ये 13वीं-14वीं शताब्दी में ठीक से विकसित हुई इंग्लैंड में। उसके पहले तो इंग्लैंड में ज्यादातर लोग ये स्कॉटिश, आयरिश, वेल्स और बहुत बड़ा इलाका इंग्लैंड का फ्रेंच बोलता था, फ्रेंच में लिखता था, फ्रेंच बोलता था, क्योंकि फ्रांसीसियों के गुलाम थे ये, और 1000 साल गुलाम रहे हैं अंग्रेज फ्रांसीसियों के, 1000 साल, पहली शताब्दी से लेके 10वीं शताब्दी तक फ्रांस के भिन्न भिन्न राजाओं का शासन चलता रहा इंग्लैंड में। तो ये फ्रेंच के प्रभाव में थे 1000 साल। बाद में ये थोड़े आजाद हुए 10वीं-11वीं शताब्दी में, 13वीं-14वीं शताब्दी तक इन्होंने अपनी अंग्रेजी को थोड़ा ठीक ठाक किया, तब से अंग्रेजी शुरू हुई। तो भाषा एकदम नई है, बहुत पुरानी नहीं है, शब्द बहुत कम है। अंग्रेजी के मूल शब्द अगर आप ढूंढना शुरू करें, तो इस समय सारी कोशिश, सारी ताकत, सारी मेहनत लगा देने के बाद मूल शब्द 65,000 है अंग्रेजी के, और हमारे हिंदी के मूल शब्द 80 लाख से ज्यादा। और अगर संस्कृत को हिंदी की माँ मान लें, वैसे तो है ही, मान क्या लें, संस्कृत हिंदी को अगर हम एक ही जैसा माने, क्योंकि संस्कृत को माने आम आदमी की बोलचाल में लाते लाते हिंदी बनी है, ऐसे ही हुआ है ना इस देश में, संस्कृत में से हिंदी का विकास। तो संस्कृत के अगर शब्दों की संख्या, तो ये तो 102 करोड़ से ज्यादा है। मूल हिंदी शब्द 80 लाख, संस्कृत वाले तो 102 करोड़ से ज्यादा है। और धातुओं के जो रूप, हम जो है ना, संस्कृत में धातु होती है, धातु रूप, तब तो शब्द 102 अरब 80 करोड़ से ज्यादा हो जाते हैं, 102 अरब 80 करोड़। इतने शब्दों का भंडार तो दुनिया की किसी भाषा में, और हमारे यहाँ मूर्ख लोग ये तर्क देते रहते हैं कि समृद्ध भाषा अंग्रेजी, 65,000 कुल शब्द है। और अंग्रेजी में जो बाकी शब्द है ना, जो आपको डिक्शनरी में दिखाई देते हैं, वो तो सब दूसरी भाषाओं के हैं, फ्रेंच में से लिया, लैटिन में से लिया, जर्मन में से लिया, आयरिश में से लिया, स्कॉटिश में से लिया, वेल्स में से लिया, हिंदी में से बहुत सारे शब्द उन्होंने ले रखे हैं, क्योंकि उनको उसका अभी तक भाषांतर करना नहीं आ पाया। तो बहुत सारी भाषाओं से लेके मिला के आपने शब्दकोश बना लिए, जिसमें 2.5-5 लाख शब्द हैं, मूल शब्द तो 65,000 ही है। और यही कारण है कि दुनिया की सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में अंग्रेजी कामकाज की भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का सारा कामकाज फ्रेंच में होता है,
और संयुक्त राष्ट्र की सभी संस्थाओं का कामकाज फ्रेंच में होता है, अंग्रेजी में नहीं होता क्योंकि शब्द नहीं है। मैं तो हैरान हो गया जब ये सब मैंने खोजना शुरू किया तो ऐसी ऐसी बातें पता चली कि हमको बिल्कुल उल्टा पढ़ा दिया गया पिछले 64 साल उसका। तो हिंदी दुनिया में शब्दों के भंडार में अंग्रेजी से बहुत ऊंची है। मैं तो आपको हिंदी की बात नहीं करता, हिंदी की एक बोली की बात करूं, बोली जैसे ब्रज भाषा, जैसे अवधी। हिंदी तो इन सब का मिश्रित रूप ही है ना, ब्रज भाषा भी है, अवधी भी है, तो फिर ये भी है, भोजपुरी भी है। तो हमारी अवधी के शब्द अंग्रेजी से ज्यादा है, अवधी के शब्द। ब्रज भाषा के शब्द अंग्रेजी से ज्यादा है, भोजपुरी के शब्द अंग्रेजी से ज्यादा है। हमारे यहां भारत में एक क्षेत्र है कन्नौज, कानपुर के आसपास, तो वहां की स्थानीय बोली है कन्नौजी, कन्नौजी बोली के शब्द अंग्रेजी से ज्यादा है। तो हमारी तो स्थानीय बोलियां जिनकी संख्या 1632 है इस देश में, 1632 बोलियां हैं जो जीवित हैं इस समय देश में, इनमें से एक एक बोली के शब्द अंग्रेजों से 3 गुने 4 गुने ज्यादा अंग्रेजी से। तो किसी मामले में हिंदी कम नहीं है, बल्कि अंग्रेजी से सवाई है, ड्योढ़ी है, 2 गुनी है, कहीं कहीं 3 गुनी है, कहीं कहीं 5 गुनी। और इसका उल्टा हमको 64 साल बताते रहे हमारे सरकारी अधिकारी, हमारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री, हमारे बड़े बड़े तमाम दूसरे नेता, ताकि भारत के लोग हिंदी पे गौरव ना कर पाए। ये सब इसलिए किया गया कि हिंदी की हीनता में हम डूबे और अपनी हिंदी को डूबोएं। हम यही माने कि हमारी हिंदी तो वैज्ञानिक नहीं है, हमारी हिंदी तो समृद्ध नहीं है, हमारी हिंदी तो सभ्य लोगों की भाषा नहीं है, हमारी हिंदी में तो कला संस्कृति है ही नहीं, हमारी हिंदी में तो ये नहीं। तो हम में जब ये हीन भावना आ जाएगी तो भाषा तो हमसे भी ज्यादा नीचे गिर जाएगी, क्योंकि भाषा तो ताकत पाती है बोलने वालों के दम पर। भाषा की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसको इस्तेमाल करने वाले लोग। जितना ज्यादा भाषा का आप उपयोग करेंगे, भाषा की ताकत उतनी बढ़ेगी। तो कोशिश और षड्यंत्र ये किया गया पिछले 64 साल कि हिंदी का उपयोग करने वाले कम से कम होते जाएं और हीन भाव से भरे रहें हर समय, और वो हम में 64 साल में आ ही गया। 1853 में मैकॉले ने एक बात कही थी, मैकॉले माने थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिसने अंग्रेजी भारत में लाई, अंग्रेजी को भारत में स्थापित करने वाला जो अंग्रेज मैकॉले, वो 1834 में भारत आया और उसके कुछ साल यहाँ रहा, फिर वापस इंग्लैंड गया और उसने एक बिल पास कराया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा शुरू की जाए। तो अंग्रेजी भाषा का बिल तो 1840 में बन गया था, लेकिन किसी कारण से लटकते लटकते 1853 में पास हुआ। तो 1853 में जब बिल पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट लोकसभा में, तब उसने जो भाषण दिया तो उसने कहा कि भारत की हिंदी भारत की रीढ़ की हड्डी है। जरा ध्यान से सुनना इस बात, भारत की जो भाषा हिंदी है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है, माने पूरा भारत इसी पे टिका हुआ है। अब इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दो तो भारत हमेशा के लिए गिर पड़ेगा। ये उसके शब्द हैं मैकॉले के। तो मैकॉले ने 1853 में अंग्रेजी भाषा को भारत की शिक्षा का माध्यम बनाने का जो कानून बनवा लिया वो इसी तर्क के आधार पर, अब वो लागू हो गया। अब 1853 से वो लागू हुआ है, 2010 तक भी वही चल रहा है। मैकॉले ने तय कराया था कि भारत में माध्यम अंग्रेजी होगा, सभी भाषा माने ज्ञान का, पढ़ाई का, ज्ञान का, वही आज तक चला आ रहा है। समाज की भाषा हिंदी,
लेकिन राज की भाषा अंग्रेजी, समाज की भाषा हिंदी, सरकार की भाषा अंग्रेजी, समाज की भाषा हिंदी, विज्ञान तकनीकी अर्थशास्त्र समाजशास्त्र सब विषयों की भाषा अंग्रेजी, समाज की भाषा हिंदी लेकिन स्कूल कॉलेजों की भाषा अंग्रेजी, समाज की भाषा हिंदी लेकिन न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी, समाज की भाषा हिंदी लेकिन संसद की भाषा अंग्रेजी, ये सब 1853 वाले कानून के प्रतिरूप हैं। मुझे नहीं लगता कि मैकॉले मर गया है, उसी की आत्मा है जो हम सब में प्रवेश कर गई। मैं अपने आप को भी उसमें मानता हूं, अलग नहीं मानता, क्योंकि हम सब उसी अंग्रेजी शिक्षा में से पढ़कर निकले हैं ना, इसलिए मुझे परिचय देने में अच्छा नहीं लगता, कोई वो सम्मानजनक नहीं है। हम अपनी डिग्रियां बताते हैं, वो एक तरह से अंग्रेजों का सम्मान बढ़ाते हैं, उसमें भारत का सम्मान नहीं है, क्योंकि ये डिग्रियां तो सब अंग्रेज बना के गए ना, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, ये तो सब अंग्रेजों की बनाई हुई, इन्हीं को तो गाते हैं ना हम हर जगह व्याख्यान के पहले। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि आप इसको गाएं और फिर सबको इसका हैसियत बताएं कि देखो ये कितना ऊंचा आदमी है, क्योंकि अंग्रेजों के बनाए हुए कागज के टुकड़े हैं इसके पास, भले ऊपर पूरा खाली है लेकिन कागज के कुछ टुकड़े हैं हमारे पास। और हम मूर्खानंद ऐसे हैं कि उन कागज के टुकड़ों को फ्रेम में लगा लगा कर घर में दीवार पे, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, ये कागज के टुकड़े जिनका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, वो हमारे लिए महत्व के हैं, क्योंकि हम सब में मैकॉले की आत्मा ने प्रवेश किया हुआ है। सच कह रहा हूं आपसे, आज हिंदी दिवस है तो अपनी आत्मा लोचन भी हमें करने की जरूरत है। और अगर नहीं मैकॉले की आत्मा हम में आई होती तो हमारे बच्चे कभी भी मम्मी डैडी नहीं बोल रहे होते, ना कभी मम्मी पापा बोल रहे होते, ना मम्मी का अर्थ मालूम है ना डैडी का अर्थ मालूम, बोल रहे हैं बस। मम्मी का अर्थ होता है मरा हुआ, जिसमें से जान निकल जाए वो मम्मी होती है, और हम अपनी जीती जागती माँ को मम्मी मम्मी बोल के मार डालने की तैयारी। हमें मैकॉले ने प्रवेश कर रखा। डैडी माने होता है मरे हुए जैसा, अंग्रेजी शब्द है डैड माने मरा हुआ, डैडी मरे हुए जैसा, तो डैडी बोल रहे हैं, मम्मी बोल रहे, आंटी बोल रहे हैं, अंकल बोल रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, कोई नहीं बता सकता कि आंटी का मतलब चाची है कि ताई है कि बुआ है कि फूफी है कि मामी है कि मौसी है, या ये सब है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन हमारे बच्चे बोल रहे हैं आंटी, अंकल, कोई नहीं बता सकता कि वो चाचा है कि ताऊ है कि मामा है कि फूफा है कि मौसा है, या मौसा का मौसा है, मामा का मामा है, कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारे बच्चे बोल रहे हैं अंकल आंटी, क्योंकि मैकॉले ने प्रवेश कर रखा है हमारे अंदर। और ऐसे ऐसे विचित्र अनुभव आते हैं मुझे, मैं किसी के घर में जाता हूं तो क्या दिखाई देता है, पिताजी का नाम रामदयाल, माता जी गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू, ये मैकॉले की औलाद कहां से आ गया, राम दयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से पैदा हुआ, ये समझ में नहीं आता। और अंग्रेजी डिक्शनरी अगर आप देखोगे तो टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का, सच में अंग्रेजी डिक्शनरी में टिंकू का मतलब है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने, माँ की ना सुने, घर के बाहर रहे, वो टिंकू है। अब यहां रामदयाल और गायत्री देवी का आज्ञाकारी बेटा टिंकू हो गया, मैकॉले जिंदाबाद, ये है मैकॉले की आत्मा। हमारे घरों के बाहर नाम लिखे हुए हैं, क्या विचित्र विचित्र नाम है,
ऐसे ऐसे नाम जो कभी हम सपने में न सोच सके। ये तो हुआ यही कि 64 साल में हम हिंदी से विमुख हुए या हम हीन भावना में डूब गए। हमको हिंदी में अब कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है कि गौरव कर सकें, इसलिए ये मम्मी डैडी अंकल आंटी टिंकू पिंकू बबली डबली डिंपल पिंपल ट्विंकल ये सब घर में घुस गए। भले अर्थ नहीं मालूम ट्विंकल का क्या मतलब है, लेकिन घर की बेटी का नाम है ट्विंकल खन्ना। मैंने पूछा एक बार उनसे कि आपके नाम का मतलब मालूम है आपको, कि नहीं मालूम, अम्मा ने रख दिया पिताजी ने रख दिया तो हो गया ट्विंकल खन्ना। डिंपल किसी का, पिंपल किसी का, कुछ कुछ विचित्र विचित्र से नाम, डब्लू बबलू डॉली। डब्लू एक अंग्रेजी शब्द है, अक्षर है डब्लू, उसका नाम से क्या लेना देना। डब्लू जो है ना प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन हम विचित्र लोग डब्लू डब्लू बोल रहे। तो मुश्किल हमारे साथ क्या हुई, मुझे जो दुख है, अंग्रेजों ने हमारे साथ षड्यंत्र किया। अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे ही अपने नेता जो अंग्रेजों के भगत थे उन्होंने हमको धोखा दिया, लेकिन हमने भी अपने आप को बहुत धोखा दिया। हमने इतना धोखा दिया कि उन्होंने जो कुछ कह दिया उसको हमने कभी जांचा नहीं, परखा नहीं, देखा नहीं कि ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। इन्होंने कह दिया जी हिंदी में विज्ञान नहीं पढ़ाया जा सकता, हमने मान लिया। उन्होंने कह दिया जी हिंदी में शब्द बहुत कम है, हमने मान लिया। उन्होंने कह दिया जी हिंदी तो मूर्खों की भाषा, गंवारों की, हमने मान लिया। अब ये जो हम किसी के कहने पर मानते चले गए और उसको जांच नहीं की, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होती। बाहर वाला कोई आके कुछ कह दे और हम उसकी जांच परख ना करें, उस कहे हुए को ही सत्य मान लें, तो ये डूब जाने के बराबर होता है। हम 64 साल में ऐसे डूब गए। इसलिए हिंदी का महत्व, हिंदी का सम्मान, हिंदी का गौरव हमसे चला गया तो सरकार ने तो पहले से ही छोड़ रखा था, इसलिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा होता। कभी हुआ था एक बड़ा आंदोलन आर्य समाजियों के बदौलत, उनकी ताकत, लेकिन उसके बाद तो खत्म। लोहिया जी के जाने के बाद तो सन्नाटा है पूरे देश, हिंदी के लिए कोई आंदोलन नहीं खड़ा हुआ, और जो हो जाता तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। जो आज हम रो रहे हैं ना कि हिंदी हमारे संविधान की भाषा नहीं है, इसके लिए रोना अपने आप से भी है कि हमने चूंकि हिंदी को गिरा दिया अपने रोजमर्रा के जीवन में। जब हम उसे सम्मान नहीं देंगे तो दूसरों से आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो सम्मान दे। तो आज मैं आपसे निवेदन करने आया कि इस हिंदी को अगर सच में आप ईमानदारी से चाहते हैं कि देश के संवैधानिक पद पर ये विराजमान हो, राष्ट्रभाषा ये बने, तो इसके लिए पहले इज्जत आपको इसकी बढ़ानी पड़ेगी, तब सरकार और दूसरे लोग इसकी इज्जत करना शुरू करें। आप इसकी बेइज्जती करते रहें और ये अपेक्षा करें कि सरकार कर देगी, ये नहीं होने वाला। आप पहले इसकी इज्जत शुरू करिए, आप इसका सम्मान शुरू करिए। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी भाषा की सबसे बड़ी इज्जत और सबसे बड़ा सम्मान वो होता है जब हम भाषा को बार बार इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसको प्रयोग में लाते हैं। जितना ज्यादा प्रयोग आप हिंदी का करेंगे, जितना ज्यादा इस हिंदी का इस्तेमाल आप करेंगे अपने रोजमर्रा जीवन से लेकर अपने शोध प्रबंधों तक, उतना ही ज्यादा हिंदी का सम्मान बढ़ेगा। और आप में अगर इसका आत्म गौरव आया, हिंदी का सम्मान आपने बढ़ाया, तो सरकार से तो करवाई लेंगे, वो कौन सी बड़ी बात, सरकार तो कर देगी, बहुत मुश्किल नहीं है अब इस देश में। अब जमाना थोड़ा बदल गया है। कैसे बदल गया? कुछ ऐसा परिवर्तन आया पिछले 20 साल में कि हिंदी दक्षिण से लेकर उत्तर, पूरब से लेकर पश्चिम और भारत के बाहर अमेरिका यूरोप और कई जगह फैल गई।
20 साल में ये परिवर्तन मैं देख रहा हूं। हिंदी का उपयोग बढ़ रहा है, भारत में ही नहीं अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अब तक कुछ भाषाओं को विशेष दर्जा मिला हुआ है, जैसे फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र में फ्रेंच तो मूल भाषा है, अरबिक अरबी भाषा, फिर चीनी चीन वालों की भाषा, फिर स्पेनिश। तो ऐसे 5-6 भाषाओं को उन्होंने बहुत सम्मान दे रखा है संयुक्त राष्ट्र ने। अब संयुक्त राष्ट्र गंभीरता से सोच रहा है कि हिंदी को भी वही दर्जा मिले जो फ्रेंच को है, स्पेनिश को है, अरबी को है, चीनी को है, वो हिंदी को भी मिले। और संयुक्त राष्ट्र ने इस बार कहा भारत सरकार से कि आपकी भाषा को हम संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाना चाहते हैं, आप इस दिशा में थोड़ा प्रयास करें, हम भी आपका सहयोग करें। तो पता है क्या कहा उन्होंने, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है स्थायी समिति, उन्होंने भारत सरकार को एक प्रस्ताव दिया कि हर साल भारत सरकार $70 करोड़ खर्च करे, क्योंकि यहां जब हिंदी को हम फ्रेंच के स्तर पे ले आएंगे तो संयुक्त राष्ट्र में जो भी व्याख्यान और चर्चाएं होती हैं उन सबका हिंदी भाषांतर हमें सबको सुनाना पड़ेगा, जैसे वो फ्रेंच और दूसरी भाषा में सुनाते। तो वो कहते हैं इसमें $70 करोड़ का खर्च है, और इस समय संयुक्त राष्ट्र जो है ना दिवालिया हो गया। वो कहते हैं जी हमारे पास तो पैसे है नहीं, हमारे पास तो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, तो आप अगर $70 करोड़ प्रतिवर्ष हमको दे सकें भारत से, तो हिंदी का वो स्तर हो जाएगा जो वहाँ फ्रेंच का है, अरबी का है, चीनी का है, स्पेनिश का है, माने हिंदी की हैसियत संयुक्त राष्ट्र की भाषा वाली हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र इसको सैद्धांतिक रूप से मान चुका है, बस भारत सरकार देरी कर रही है। भारत सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि ये $70 करोड़ दिए जाएं कि ना दिए जाएं। भारत सरकार का माने भारत के अधिकारी, ये उसमें अड़ंगे लगा रहे हैं, कह रहे हैं जी फालतू खर्चा है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये अधिकारी अपनी जेब में जो डाल लें वो सब अच्छा खर्चा है, और हिंदी के लिए $70 करोड़ खर्च हो तो ये फालतू हो गया। तो ऐसे जिन अधिकारियों ने अड़ंगे लगा रखे हैं उनको हमने चिन्हित कर लिया है, और उन पर हम इतना दबाव डाल रहे हैं कि वो 2-4 महीने में अपने इस दुराग्रह को छोड़ ही देंगे, और $70 करोड़ तो निकल ही आएगा, क्योंकि $70 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम थोड़ी है। भारत के देश में जहां 11.5 लाख करोड़ का बजट हो, वहां 425 करोड़ रुपए बैठता है, $70 करोड़ कौन सी बड़ी रकम, 350 करोड़ बैठता है। तो 350 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, अगर हम हर साल ये खर्च करें तो संयुक्त राष्ट्र कहता है कि आपकी भाषा को हम वो दर्जा दे देंगे जो चीनी को है, अरबी को है या फ्रेंच को है, तो सारी दुनिया में हिंदी की इज्जत बढ़ेगी। और एक बार वहां हो गया संयुक्त राष्ट्र में तो भारत में हो जाएगा, क्योंकि हम तो मैकॉले पलट है ना, हम तो तब किसी का सम्मान करते हैं जब वो विलायत से आ जाता है। हाँ, योग जब विलायत से योगा होके आया तब हमने जो है ना सम्मान करना शुरू किया, ऐसे थोड़ी करते योग का सम्मान। तो हिंदी पहले संयुक्त राष्ट्र में स्थापित होगी तब भारत सरकार मानेगी इसको कि अब तो संयुक्त राष्ट्र में हो ही गई है, तो शर्म से डूब मरना, तो इसलिए हिंदी को फिर भारत में वो स्थापित करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र में जल्दी से जल्दी हिंदी को जो दर्जा देने की बात वो कह रहे हैं वो मिल जाए। संयुक्त राष्ट्र के कुछ लोगों से हमारी चर्चा हो रही पिछले कुछ 6-8 महीने से, तो उनसे मैंने पूछा कि आखिर आपको हिंदी में क्या विशेषता दिख रही है जो आप ये चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की भाषा हो। तो उन्होंने कहा अरे हिंदी में तो उतना ही दम है जितना चीनी भाषा में, वो कहते हैं हिंदी में उससे ज्यादा दम है जितना फ्रेंच में, वो कहते हैं हिंदी में तो और भाषाओं से ज्यादा दम है, वो कहते हैं फ्रेंच तो इतनी बोली और पढ़ी नहीं जाती पूरी दुनिया में, उससे ज्यादा तो हिंदी बोली और पढ़ी जाती, तो वो मानते हैं कि हिंदी में दम है। और उसका कारण वो मानते हैं कि हिंदी का संस्कृत से जुड़ाव, वो कहते हैं ये जो संस्कृत से आपका जुड़ाव है ये आपकी ताकत है,
तो संयुक्त राष्ट्र ने अब ये मान लिया और दुनिया भी धीरे धीरे मान रही है। आपको मालूम है दुनिया में कई ऐसे बड़े टेलीविजन चलाने वाली कंपनियां हैं जिन्होंने अपने विशेष हिंदी चैनल शुरू किए पिछले 20 साल। एक तो सबसे बड़ा उदाहरण दूं, चीन जो भारत का धुर विरोधी है उसने हिंदी रेडियो शुरू किया, मालूम है आपको। और चीन का हिंदी रेडियो हमारे रेडियो से अच्छा और साफ सुनाई देता है पूरी दुनिया में, सुन के देख लो। कारण जानते हैं? क्योंकि चीन की सरकार कहती है कि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदी भाषी हैं दुनिया में, इसलिए उनका रेडियो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन संस्था अब तक हिंदी में समाचार देती थी दिन में 1 घंटे, माने पहले तो आधा घंटे आते थे फिर 1 घंटे हो, अब पूरा हिंदी का एक चैनल ही शुरू कर रहे हैं, वो थोड़े दिन में चालू होने जा रहा है 24 घंटे। अब बीबीसी हिंदी पे आ रही है, चीन ने हिंदी का रेडियो शुरू कर दिया, जर्मनी की सरकार का हिंदी रेडियो चालू है इस समय, मालूम है आपको, धुआंधार चल रहा है, खूब सुना जाता है जर्मन रेडियो जो हिंदी में आता है। फ्रांस की सरकार तैयारी कर रही है हिंदी रेडियो शुरू करने की, स्पेन में तैयारी चल रही है। तो दुनिया भर के देशों में अब हिंदी के प्रति नजरिया बदल रहा है और उनको हिंदी 100 करोड़ लोगों की भाषा दिखाई दे रही है, और दुनिया के देशों को जोड़े तो 120, तो 120 करोड़ लोगों की भाषा को कोई अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया के कई देश इसमें समा जाएंगे, इसलिए इसकी ताकत बहुत बड़ी है। और एक तीसरी बात यह हुई है कि हिंदी बोलने समझने जानने वालों का बाजार अब दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हिंदी बोलने जानने समझने वालों की क्रय शक्ति भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो बहुत बड़ी संभावना है दुनिया की कंपनियों के लिए। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने विज्ञापन हिंदी में शुरू कर दिए, ब्रिटेन की कई बड़ी कंपनियां हैं जो हिंदी विज्ञापन कर रही हैं आजकल, अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां हिंदी विज्ञापन कर रही हैं, और उनको ये समझ में आ रहा है कि हिंदी विज्ञापन लोगों को उनका जल्दी समझ में आता है अंग्रेजी की तुलना। तो कंपनियों को हिंदी की ताकत पता चल गई है, सरकारों को दुनिया में हिंदी की ताकत पता चल गई है, अर्थव्यवस्थाओं में जो हर समय काम में लगे रहने वाले अर्थशास्त्री हैं उनको हिंदी की ताकत का अंदाजा हो गया। दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि खाली हिंदी भाषा के आधार पर भारत का आर्थिक मूल्यांकन किया जाए तो भारत 450 से 500 लाख करोड़ रुपए वाला देश है, ये अर्थशास्त्री अब मान रहे हैं। तो अर्थशास्त्र की भाषा में हिंदी मजबूत हो रही है, दुनिया के सरकारों की नजरों में हिंदी मजबूत हो रही है, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी मजबूत हो रही है। क्यों? क्योंकि हिंदी बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। बस आपसे मेरा इतना ही निवेदन है कि ये दुनिया में जब हिंदी समर्थक और हिंदी सहयोगी बढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा हिंदी का ज्यादा सम्मान और ज्यादा इज्जत करना शुरू कर दो तो ये सब काम पक्का हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि दिया तले अंधेरा। दुनिया भर में हिंदी सीखने समझने वालों की संख्या बढ़े, सरकारें करोड़ों डॉलर का बजट उस पे लगाएं, जर्मनी की सरकार ने तो विशेष संस्थान बनाना शुरू कर दिया, अरबों डॉलर का बजट है कि जो हिंदी सीखे और सिखाएं, संस्कृत सीखें और सिखाएं। और यहां जब हैदराबाद आऊं तो एयरपोर्ट से लेकर शहर तक हर जगह पढ़ने को मिलता है, 15 दिन में अंग्रेजी सीखिए, 30 दिन में अंग्रेजी सीखिए, शर्म आती है। यहां बोर्ड मिलने चाहिए 30 दिन में तेलुगु सीखिए, या 2 महीने में तेलुगु सीखिए, या 4 महीने में और अच्छी तेलुगु सीखिए, संस्कृत निष्ठ तेलुगु सीखिए, साहित्यिक तेलुगु सीखिए, ऐसे बोर्ड लगे हों यहां, या हिंदी सीखिए। ये अंग्रेजी सिखाने वाले कहां से पैदा हो गए हैदराबाद में? यही है मैकॉले की आत्माएं।
इन मैकोले आत्माओं से पिंड छुड़ाओ अपना और इस समाज का। तो पिंड कैसे छूटेगा, इसके रास्ते हैं कि ये जितनी मैकोले आत्माएं हैं इनसे असहयोग करो और इनका बहिष्कार करो, इनको अपने किसी सम्मान समारोह में मत बुलाओ और इनका कोई सम्मान मत करो और इनसे कोई रिश्ता मत रखो। आपके घर में शादी है, अपने घर का निमंत्रण उनको मत दे के आओ जो मैकोले मानस पुत्र, मत बुलाओ उनको अपने घर और उनके घर आप मत जाओ। देखो कैसे सुधरते हैं ये सब अल्पमत में हो जाएंगे थोड़ी ही देर में, आप देख लेना। जैसे ही आपने इनसे रिश्ता तोड़ा और इनसे मुख मोड़ा, ये सब तो अल्पमत में आ जाएंगे। इनकी जड़ें तो आपके पानी से सिंचित हो रही हैं, आपने इनकी जड़ों में पानी देना बंद किया, ये तो सूख जाएंगे सबके सब, मर जाएंगे, चिंता मत करो। जैसे मैकोले मर गया वैसे ये भी मर जाएंगे। आप बस इनसे रिश्ता और व्यवहार अपना कम कर दो तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब शुरू कहां से करना, छोटी छोटी बातें। आपके घर कोई निमंत्रण पत्र लेके आए बेटे या बेटे की शादी का, बेटे या बेटी की शादी का, और अगर वो अंग्रेजी में है उसी के सामने फाड़ के फेंक दो, देखो क्या असर होता है। मैंने किया, ये मैंने किया। एक बहुत इस देश के बहुत बड़े पूंजीपति जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, वो आए अपने बेटी की शादी का निमंत्रण देने हरिद्वार पतंजलि योग पे, अंग्रेजी का निमंत्रण पत्र मैंने फाड़ दिया। कहने लगे ये क्या किया आपने। मैंने कहा मुझे अंग्रेजी आती नहीं, मेरे लिए तो ये काला अक्षर भैंस बराबर, पढ़ूंगा क्या। कहने लगे आपको नहीं आती। मैंने कहा नहीं आती। कि मैं पढ़ के सुनाऊं। मैंने कहा तो फिर सुनूंगा नहीं, मैं बंद कर लूंगा अपने काम, मुझे सुनना नहीं। कहने लगे तब आप शादी में नहीं आएंगे। मैंने कहा फाड़ने का मतलब ही ये है कि मैं नहीं आऊंगा। कहने लगे स्वामी जी। मैंने कहा उनको भी नहीं जाने दूंगा। परिणाम जानते हैं क्या हुआ, जब उनको मैंने कहा कि स्वामी जी को भी नहीं जाने दूंगा, कहने लगे कैसे रोकोगे। मैंने कहा सत्याग्रह करूंगा। तब वो लौटे, फिर उन्होंने हिंदी में निमंत्रण बनाया, फिर मुझे देने आए, स्वामी जी को भी दिया, तब स्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दिया, हम भी गए उनकी शादी। एक झटके में ठीक हो गए, वो सारा अंग्रेजी गुरूर उनका निकल गया। होता क्या है कि हम चूंकि विरोध नहीं करते इसलिए सामने वाले को लगता है कि सब अच्छा है जो हम कर रहे हैं। एक आदमी भी विरोध करना शुरू करे भले वो कम है लेकिन थोड़े दिन में वो ताकतवर हो जाता है। तो आपके पास अगर कोई अंग्रेजी निमंत्रण पत्र लेके आए तो आप यही करो उसका, और उससे कहो या तो तेलुगु में ले आओ या हिंदी में ले आओ, अंग्रेजी निमंत्रण पत्र पे हम नहीं जाएंगे कहीं भी, यहां से शुरू करो। फिर अपने बच्चों के नाम बदलो, ये पिंकू टिंकू बबली डबली ट्विंकल डिम्पल पिंपल ये सब बंद करो। अच्छे अच्छे हिंदी में नाम है, संस्कृत में बहुत अच्छे नाम है, वो सब नामों से बच्चों को बुलाओ। इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा क्योंकि जवान पे चढ़ गया टिंकू, उतरने में देर लगेगी लेकिन प्रयास के साथ आप करोगे तो थोड़े दिन में उतर जाए। और बच्चों को समझाओ कि आपका जो व्यक्तित्व है वो टिंकू नहीं है, वो कुछ भी है, राम है, श्याम है, मोहन है, कृष्ण है, जो भी है, टिंकू तो नहीं है। तो बच्चे भी समझेंगे आप भी करोगे। तो नाम अपने सब हिंदी में, तेलुगु में, संस्कृत में, और आपके घर में आने वाले निमंत्रण पत्र सब तेलुगु हिंदी आदि आदि संस्कृत वगैरह वगैरह। फिर तीसरा काम, घर के बाहर दरवाजे पर देखो कहीं अंग्रेजी में तो कुछ नहीं लिखवा रखा, आरसी मिश्रा, एपी शर्मा, ये क्या होता है एपी शर्मा, आनंद प्रकाश शर्मा तो समझ में आता है, एपी शर्मा क्या है, रमेश चंद्र मिश्रा समझ में आता, आरसी मिश्रा क्या है, ये मूर्खता कम करो। कहते हैं जी हमने संक्षेप कर दिया, किसने बोला था आपको संक्षेप करने को, हमको बोलने में कोई तकलीफ थोड़ी हो रही है, आनंद प्रकाश शर्मा हम बोल रहे हैं भाई, तो संक्षेप करने की जरूरत क्या, नाम के संक्षेप थोड़ी हुआ करते हैं दुनिया में। नाम जो है ना एक ऐसी संज्ञा है जिसका संक्षिप्तीकरण नहीं होता, और नाम एक ऐसी संज्ञा है जिसको बदल नहीं सकते आप, वो जो है सो है,
आनंद प्रकाश है तो है, राम प्रकाश है तो है, लक्ष्मण प्रकाश है तो है। अब इसका संक्षेप मत करो, लक्ष्मण प्रकाश का एलपी मत करो, आनंद प्रकाश का एपी मत करो, रमेश चंद्र का आरसी मत करो। घर के बाहर जितने आपके बोर्ड लगे हैं नाम पट, इनको ठीक कर लो, यहां से शुरू करो। चौथा काम क्या करना, इज्जत बढ़ानी है हिंदी की, अपने हस्ताक्षर हिंदी में करो। पत्र लिख रहे हो तो हिंदी में लिखो, पता लिख रहे हो तो हिंदी में लिखो। कई महानुभाव हैं पत्र तो हिंदी में लिखते, पता जरूर अंग्रेजी में लिखेंगे, और पत्र भी हिंदी में, पता भी हिंदी में, लेकिन हस्ताक्षर जरूर अंग्रेजी में करेंगे। क्या मोह है, ऐसा मोह, हस्ताक्षर अंग्रेजी में हर समय। ये मोह को छोड़ो, क्योंकि इज्जत बढ़ानी है आपको हिंदी की, तो हस्ताक्षर हिंदी में करो, बहुत अच्छा होगा। तेलुगु में करो, हिंदी की बहन तो है, हिंदी नहीं तो हिंदी की बहन है, मां नहीं तो मौसी तो है, तो मौसी की भी तो कोई इज्जत है, मां के जैसी है इसलिए मौसी है। तो या तो तेलुगु में करो, नहीं तो हिंदी में करो, नहीं तो संस्कृत में करो हस्ताक्षर। और अभी भारत सरकार के कुछ प्रयास हुए हैं जिसके आधार पर हर बैंक हिंदी हस्ताक्षर किए चेक को स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी है, मना नहीं कर सकता, मना करेगा तो बैंक का लाइसेंस रद्द। तो इसका फायदा उठाओ, हर बैंक आपका हिंदी चेक हस्ताक्षर वाला स्वीकार करेगा, हिंदी में लिखा हुआ चेक भी स्वीकार करेगा, ड्राफ्ट भी हिंदी में लिखा हुआ। तो आप अपने हस्ताक्षर हिंदी कर दो, बैंक में हस्ताक्षर का नमूना बदल दो। अगर कभी पहले अंग्रेजी हस्ताक्षर कर दिए, गलती हो गई, अब ठीक कर लो। नमूना बदलने के लिए बैंक आपको समय देता है, मोहलत देता है। तो अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, और फिर एक चीज करो कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी शब्द आपके भंडार में हो, भंडार माने दिमाग में। इसके लिए हर दिन कुछ नए हिंदी शब्द सीखो और उनके उपयोग करो। भाषा की ताकत, मैं बार बार कह रहा हूं, उपयोग से तय होती है। जितना ज्यादा उपयोग करोगे भाषा उतनी मजबूत होगी। तो हिंदी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो तो ज्यादा से ज्यादा शब्द आपको आने चाहिए, तो शब्दों का भंडार बड़ा करो। हम कभी ईमानदारी से ये लिखें कि हमें कितने हिंदी शब्द मालूम है, तो शायद 500 से 1000 में सबकी गिनती खत्म हो जाएगी, जबकि शब्दों की संख्या 80 लाख से ज्यादा है। तो सीखो नए नए हिंदी शब्द, और उसको सीखने के लिए आप पुस्तकों का सहारा लो। देखो, शब्द नए सीखना तो सबसे अच्छा तरीका है पुस्तकें पढ़ना। पुस्तकें ज्यादा से ज्यादा हिंदी की पढ़ो तो नए नए शब्द आपके भंडार में आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे। जो पुस्तकें आपको पसंद हैं, जैसे किसी को कहानी की पुस्तकें पसंद हैं वो पढ़ो, किसी को कविता वाली तो वो पढ़ो, किसी को उपन्यास पसंद है वो पढ़ो, किसी को आर्थिक विषय की पुस्तकें पसंद हैं वो पढ़ो, हिस्ट्री माने इतिहास की तो वो पढ़ो। पुस्तकें ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे शब्द भंडार बढ़ता ही जाएगा, और जितने ज्यादा शब्द आपके पास होंगे उतनी ज्यादा मजबूती भाषा की आप में होगी, और आप फिर उसका ज्यादा सम्मान करेंगे, और फिर दूसरा आपसे ज्यादा सम्मान करेगा उसका। और एक दो छोटे छोटे काम आप कर सको अपने जीवन में तो बहुत अच्छा है। कि आपने कोई प्रतिष्ठान बनाया, माने कोई आपका व्यापारिक केंद्र है, प्रतिष्ठान है, कोशिश करो कि उसके नाम भी हिंदी में आ जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा संभव, नहीं तो तेलुगु में आ जाए। तो आपके प्रतिष्ठान का नाम, फिर आपके घर का नाम, कई लोग घर का नाम रखते हैं तो घरों के नाम भी हमारे सब हिंदी में आ जाए, प्रतिष्ठान के नाम सब हिंदी में आ जाए, बच्चों के नाम हिंदी में आ जाए, पड़ोसियों परिवारों को संबोधन हमारे सारे हिंदी में आ जाए। इसमें बिल्कुल शर्म मत महसूस करो कि अंकल की जगह किसी को भी चाचा कहो, काका कहो, कोई शर्म की बात। काका बहुत सम्मानजनक शब्द है, चाचा बहुत सम्मानजनक शब्द, ताऊ कहो, मामा कहो, मौसा कहो, जो कहना है कहो, ये अंकल के चक्कर में, आंटी के चक्कर में, ये सब हटाओ अपने जीवन। और कुछ ऐसे फालतू अंग्रेजी शब्द हमने जबरदस्ती अपनी जिंदगी में लगा रखे हैं जिनका कोई मतलब नहीं, हमें भी नहीं मालूम। मदर इन लॉ, ये नहीं कहते ये सासू माँ है, कहते मदर इन लॉ। अभी मदर इन लॉ कौन सी है, इधर वाली है, उधर वाली है, कौन सी है, पता तो चले।
फादर इन लॉ पता ही नहीं, इधर वाले उधर वाले, ब्रदर इन लॉ तो बड़ा घोटाला है, वो साला भी है जीजा भी है। हिंदी में साला जीजा दोनों विरोधी हैं। साला माने पत्नी का भाई, जीजा माने बहन का पति। अंग्रेजी में दोनों एक ही हैं, ब्रदर इन लॉ, क्योंकि अंग्रेजी में रिश्तों को अलग अलग करने के शब्द ही नहीं है, क्योंकि रिश्ते ही नहीं है, क्योंकि परिवार नहीं है, क्योंकि शादी नहीं है। जहां शादी नहीं, जहां परिवार नहीं, वहां रिश्ते नहीं, वहां रिश्तों के अलग अलग नाम नहीं। ये तो भारत है, जहां पर शादी है, परिवार है, रिश्ते हैं, तो रिश्तों के अलग अलग नाम है। तो हर जगह आप छोटा छोटा प्रयास करना शुरू करोगे तो बड़े बड़े काम इसमें से हो जाएंगे। आप ऐसे ही संकल्प ले लो जैसे महात्मा गांधी ने 29 मार्च 1918 को लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया को कह दो कि मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी भूल गया। बस आप भी कह दो दुनिया को कि हम अंग्रेजी भूल गए, हमको हिंदी मालूम है, तमिल मालूम है, तेलुगु मालूम है, कन्नड़ मालूम है, संस्कृत मालूम है, हिंदी अंग्रेजी सब मालूम, अंग्रेजी भूल गए हम, नहीं आती हमको, बात खत्म। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हमको अंग्रेजी नहीं आती तो क्या किसी अंग्रेज को हिंदी नहीं आती, तो बराबर हो गए कि नहीं। हम अपने बच्चों को मार मार के जो अंग्रेजी सिखा रहे हैं, आप एक बार लंदन का भ्रमण कर लो, इंग्लैंड चले जाओ और वहां देखो कि कौन माँ बाप अपने बच्चे को मार मार के हिंदी सिखा रहा है। एक भी अंग्रेज अगर मिल जाए आपको जो बच्चों को मार के हिंदी सिखा रहा हो, तो उसी दिन से मैं अंग्रेजी छोड़ दूंगा, हिंदी के बाद अंग्रेजी में लग जाऊंगा। एक अंग्रेज ले आओ ढूंढ के जो बच्चों को मार के हिंदी सिखाता हो। जब अंग्रेज अपने बच्चों को मार के हिंदी नहीं सिखा रहे, तो आप अपने बच्चों को अंग्रेजी क्यों सिखा रहे हो मार मार के? तो आप फिर वही गलतफहमी के शिकार, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। बिल्कुल नहीं है। दुनिया में 200 देश हैं, उनमें से सिर्फ 11 देशों में ही अंग्रेजी है, और वो भी इंग्लैंड के गुलाम थे इसलिए अंग्रेजी है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, फिर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तो सब एक ही है ना। ऐसे 11 देशों में, वेस्ट इंडीज में अंग्रेजी है, तो जहां अंग्रेज थे अफ्रीका में अंग्रेजी है, बाकी कहीं नहीं है। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, स्वीडन में स्वीडिश है, और आप डेनमार्क में जाओ तो डेनिश है। सबसे छोटा देश डेनमार्क, वहां भी डेनिश है। सबसे छोटी भाषा है दुनिया की, 70 लाख लोगों का देश है डेनमार्क, अपनी भाषा नहीं छोड़ी उन्होंने। डेनमार्क में आप जाएंगे तो हर इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई डेनिश में कराते हैं, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई डेनिश में कराते हैं वो। 70 लाख का देश मुश्किल से। वो कहते हैं भाषा अगर हमने छोड़ी तो सब छूट जाएगा हमारा। तो उनका आग्रह अगर इतना प्रबल है कि 70 लाख की आबादी वाले देश के लोग डेनिश में सब कर रहे हैं, तो 120 करोड़ की आबादी वालों को तो और ज्यादा गर्व होना चाहिए। तो आप मत छोड़ो इस हिंदी को, रोज की बोलचाल में हिंदी, सामान्य व्यवहार में हिंदी, खास व्यवहार में भी हिंदी। खास व्यवहार माने आप शोध प्रबंध लिख रहे हैं, कोई बहुत बड़े मूल चिंतन के विषय पर काम कर रहे हैं, वहां भी आग्रह रखो हिंदी का। और एक छोटी सी आखिरी बात कि हिंदी का प्रयोग करते समय आप जितना ये ध्यान रखोगे कि सरल शब्द और छोटे वाक्य, सरल शब्द छोटे वाक्य, जितना आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाओगे, बोलना है, लिखना है, कहना है, उतनी ही हिंदी की लोकप्रियता बढ़ती जाएगी। ये हिंदी का कुछ नुकसान हमारे ऐसे मित्रों ने भी किया है जो क्लिष्ट क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबरदस्ती फालतू का अहंकार मन में पाल रखा है, भारी शब्द होना चाहिए, सामने वाले के समझ में ना आए, करोगे क्या उस भारी शब्द का? कई बार अपने समझ में नहीं आता, तो ये भगवान के लिए मत करो। देखो ईश्वर के बारे में ये कहा जाता है कि ईश्वर जो है ना सीधी सच्ची बात को सबसे जल्दी सुनता है, ठीक है? तो सामने वाला भी सीधी सच्ची बात को सबसे जल्दी सुनता है। जो ईश्वर करता है वो ही सब करते हैं। तो आपके सामने कोई व्यक्ति है, बोल रहे हो तो सुनने वाला है,
लिख रहे हो तो पढ़ने वाला है, और पढ़ा रहे हो तो कोई पढ़ने वाला है। ये तीनों कैटेगरी के, तीनों श्रेणी के लोग सरल शब्द, छोटे वाक्य जितने कहोगे, जितने उपयोग करोगे, उतनी ही भाषा आपकी लोकप्रिय होगी। और भाषा की लोकप्रियता माने आपने बोला, उसने कहना शुरू कर दिया, उसने कहा फिर उसने कहना शुरू कर दिया, उसने कहा फिर उसने, ये लोकप्रियता। और ये लोकप्रियता जितनी बढ़ेगी हिंदी की, बहुत जल्दी हिंदी संवैधानिक पद पर आ जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और अब हमने तो संकल्प ले लिया, भारत स्वाभिमान एक अभियान शुरू हुआ सारे देश में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में, तो हमने 64 काम करने का संकल्प लिया है। उसमें से एक काम है कि भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था में से अंग्रेजी को निकाल बाहर करेंगे, और हर शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा होगी या राष्ट्रभाषा हो, ये हमारा संकल्प है। हम तो करने ही वाले हैं, और 4-5 साल बाद ये होने वाला है। तो 4-5 साल बाद जब ये हो जाएगा, उसके लिए मैं आपको अभी से तैयार कर रहा हूं, नहीं तो अचानक से हुआ तो आप ही बौखला जाओगे। अगर हमने आज ही सारे देश में ये कर दिया कि अंग्रेजी भाषा को पाठ्यक्रम से निकाल दिया, तो आप जैसे माता पिता ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे को पीछे करना चाहते हैं, आगे नहीं लाने देना चाहते हैं। तो आपकी मानसिकता 4 साल में तैयार हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि आप हिंदी का जितना उपयोग करेंगे, जितना उसका प्रयोग करेंगे, उतना उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, उतनी उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, और भाषा की ताकत है ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा उसका उपयोग किया जाना। तो आप अपने जीवन से इसको शुरू करें, फिर आपके जो प्रतिनिधि हैं ना, उनसे पूछें, जिनको आप वोट देते हैं, संसद में भेजते हैं, उनसे पूछना शुरू कर दो कि भैया 1950 में आपने तय किया था कि 15 साल बाद अंग्रेजी हट जाएगी, हिंदी आ जाएगी, तो ये 15 साल कब पूरे हो रहे हैं? 1950 हो गया, 65 में 15 साल हो गए, फिर अभी कितने साल हो गए, कब तक करोगे? और बता दो कि हम नहीं करेंगे तो फिर हम किसी को, दूसरे को चुन लेंगे जो करेगा। जरूरी है तुम्हारा ही ठेका ले रखा है कि तुमको ही चुन के भेजें वहां संसद में? या तो तुम बताओ कि कितने दिन में करोगे, नहीं तो तुम हट जाओ, दूसरा कोई आएगा वो करेगा। अब ये नहीं है कि 15 साल की जगह 60 साल हम इंतजार करते रहे, 70 साल इंतजार करते रहे। तो हमने तो नेताओं से खरी खरी सुनाना शुरू कर दिया, और नेताओं से ये कहना शुरू किया कि जब तुम वोट मांगने हिंदी में जा सकते हो तो संसद में हिंदी में बात क्यों नहीं करते? हमारे प्रधानमंत्री को कहा कि आप जब वोट मांगने गए थे तो आपने असमिया भाषा में व्याख्यान दिया, क्योंकि उनकी सीट जो है ना गुवाहाटी से है, तो असम के लोगों को प्रभावित करने के लिए असमिया बोली उन्होंने, फिर कुछ हिंदी बोली, फिर कुछ पंजाबी बोली, और संसद में हर समय अंग्रेजी में बात करते रहते। इसका माने ये तो बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं आप। अपने लोगों से वोट मांगा तब आपने उनकी भाषा बोली, और उन्होंने वोट दे दिया, अब आप अंग्रेजी भाषा बोल रहे, ये कैसे चलेगा? हमने प्रतिपक्ष नेता को भी कहा, श्री लाल कृष्ण अडवाणी को, आप अंग्रेजी में व्याख्यान क्यों देते हैं भाई? जब आप हिंदी में वोट मांग सकते हैं तो संसद में अंग्रेजी में क्यों बोल रहे? तो अभी इनकी खिंचाई करनी पड़ेगी सबके। आप इनसे सवाल पूछते जाओ, इनके पास जवाब नहीं हो तो ये खुद ही जगह छोड़ेंगे, और वो जगह ऐसे लोगों द्वारा भरी जाएगी जो हिंदी की बात करेंगे, राष्ट्रभाषा की बात करेंगे, मातृभाषा की बात करेंगे। तो संसद में भी बदलाव करना है, हमारी न्यायपालिका में हमें बदलाव करना है कि कोई भी मुकदमे का फैसला उस भाषा में होना चाहिए जिसमें वादी और प्रतिवादी समझ सके। अगर वादी प्रतिवादी तेलुगु वाला है तो फैसला तेलुगु में आना चाहिए, और कोई जज ये कहता है मुझे तेलुगु नहीं आती तो उसको तेलुगु सीखनी पड़ेगी, नहीं सीखेगा तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वो अंग्रेजी में फैसला देकर और भारत के तेलुगु लोगों के पैसे पर अपनी तनख्वाह बनाता रहे और फैसले अंग्रेजी में देता रहे, ये तो अपमान है करोड़ों लोगों। तो भारत की न्याय व्यवस्था को यह समझाना है कि फैसले उसी भाषा में आने चाहिए जिसमें लोग समझते हैं, और बहस भी उसी भाषा में होनी चाहिए जिसमें लोग समझते हैं। तो न्याय व्यवस्था से अंग्रेजी हटानी है, पाठ्यक्रम
शिक्षा से अंग्रेजी हटानी है, हमारे वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से अंग्रेजी हमें हटानी है, हमारी कृषि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में से अंग्रेजी हमको हटानी, हर जगह से अंग्रेजी हटानी है। तो आप बोलोगे अंग्रेजी जाएगी कहाँ? अंग्रेजी जाएगी पुस्तकालय में, बस और कहीं नहीं। सब समाज के अलग अलग अंगों से अंग्रेजी को हटाकर रखना है पुस्तकालय में, जिसको पढ़ना है वो पुस्तकालय जाए, पढ़े और अपना काम चलाए। समाज में अंग्रेजी नहीं होगी, संसद में नहीं होगी, न्यायालय में नहीं होगी, हमारे विज्ञान प्रयोगशालाओं में नहीं होगी, सरकारी दफ्तरों में नहीं होगी, कामकाज के स्थान पर नहीं होगी, अंग्रेजी होगी पुस्तकालय में। जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना अलग अलग जगह, तो वैसे ही इसकी जगह पुस्तकालय या अंग्रेजी होगी। इंग्लैंड में दो ही जगह हैं, या तो हमारे पुस्तकालय में रहेगी, आप जाओ पढ़ लो, जिसको सीखना है समझ लो, और अगर उपयोग करना है कर लो। भाषा के स्तर पर हमारी उससे दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो हमारे व्यवहार में नहीं होगी। व्यवहार में हमारी मातृभाषा राष्ट्र, ये दो बड़े संकल्प हमने कर लिए भारत स्वाभिमान की तरफ से, और इन संकल्पों को पूरा करने के लिए 10 करोड़ लोगों का संगठन बना रहे हैं, और बहुत तेजी से हमारा संगठन बढ़ रहा है। आपको खुशी होगी, 1.5 साल हुआ ये संगठन बने, 680 जिलों में हमारी शाखाएं खुल गई, 2,50,000 हमारे पास इस समय पदाधिकारी और योग शिक्षक हैं जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं, 11 लाख अगले 2 साल में आने की तैयारी में लगे हुए हैं, 50 लाख हमारे सामान्य सदस्य बन चुके हैं, हर दिन 10 से 15 हजार लोग इसके सदस्य बन रहे हैं। 10 साल का लक्ष्य है कि 10 करोड़ सदस्य हो जाएंगे, और जिस दिन ये 10 करोड़ सदस्य हो जाएंगे उस दिन हम सब कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में वही काम करवा पाते हैं जिनके पास जनता की ताकत है, अच्छा हो या बुरा कोई भी काम। तो हमें जनता की ताकत इकट्ठी करके ये करवा लेना है। तो हिंदी को वो स्थान मिले जो 64 साल पहले मिल जाना चाहिए था, मातृभाषा ही नहीं राष्ट्रभाषा के, संविधान इसकी स्वीकृति प्रदान करे, और ऐसी स्वीकृति प्रदान करे कि भविष्य में कोई भी सरकार आए वो उसे बदल ना पाए। आपको मालूम है संविधान का कुछ हिस्सा जो है बदला नहीं जा सकता, उस हिस्से में हम हिंदी को लाने वाले हैं, जिसको आप संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना बदली नहीं जाती, उसमें एडिशन हो सकता है, निकाल नहीं सकते आप। अगर भारत के संविधान में एक शब्द डाला जा सकता है सोशलिज्म, तो हिंदी राष्ट्रभाषा भी आली आ सकती है उसी संविधान। आपको मालूम है श्रीमती इंदिरा गांधी ने डाला था सोशलिज्म, और उस समय डाला था जब इमरजेंसी लगाई थी। तो अगर समाजवाद आ सकता है तो हिंदी राष्ट्रभाषा होगी देश की, इतना वाक्य भी प्रस्तावना में आ सकता है। और अगर उसके साथ कुछ और जोड़ना है तो हिंदी राष्ट्रभाषा होगी और सभी राजभाषाएं होंगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, ये सब राजभाषाएं होंगी, हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, किसी को कोई आपत्ति नहीं। और ये बात हम सबसे करके देख चुके हैं। वो कहते हैं कि सभी मातृभाषाओं को आप राजभाषा बना दो, हिंदी को भले राष्ट्रभाषा बना दो, उनको किसी को आपत्ति नहीं, तमिल लोगों को भी आपत्ति नहीं। हाँ, उनको इतना दिल में है कि अगर हम हिंदी सीखेंगे तो आप तमिल सीख लो, तो हम सीखेंगे भाई, क्यों नहीं सीखेंगे। जब दुनिया की सबसे कचरा और रद्दी भाषा अंग्रेजी सीख सकते हैं, तमिल क्यों नहीं सीखेंगे। तमिल सीखेंगे, तेलुगु सीखेंगे, कन्नड़ सीखेंगे, मलयालम सीखेंगे। और हम जो स्कूल तय कर रहे हैं ना भाषा के लिए, वो ये कि पूरे भारत में हर विद्यार्थी को कम से कम 3 भाषा बचपन से सिखाई जाएंगे। एक तो उसकी मातृभाषा, वो तो सीखेगा ही स्वाभाविक, और 2 भाषाएं ऐसी, एक उसकी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा राष्ट्रभाषा। अब जैसे आंध्र के बच्चे हैं, सब तेलुगु सीखेंगे, हिंदी सीखेंगे, और एक सीखेंगे पड़ोसी राज्य की भाषा। आंध्र के पड़ोस में तमिलनाडु है तो सब तमिल सीखेंगे, और तमिलनाडु वाले तेलुगु सीखेंगे। इसी तरह से हम हिंदी वाले तमिल और तेलुगु सीखेंगे, कन्नड़ सीखेंगे, मलयालम सीखेंगे।
बच्चों को बचपन से भाषा सिखाओ तो बहुत अच्छे से सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। तो हर बच्चे को 3-4 भाषाएं अगर भारत की आ गई तो उसका तो काम चलने ही वाला है, और इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। उत्तर वाले तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सीख लें तो दक्षिण वालों को हिंदी सीखने में कोई आपत्ति नहीं है। तो पहल हम करेंगे उत्तर भारत वाले, उत्तर वाले कि हम सीखेंगे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो फिर यहां कैसे मना करेंगे हिंदी को सीखने। ये तो गड़बड़ी ये हुई कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तो सीखते नहीं, अंग्रेजी सीख लेते। अपने राज्य की भाषा अपने राष्ट्र की आती नहीं, दुनिया में 20,000 मील दूर की भाषा आती है, करें क्या उसका, जीवन में उपयोग ही नहीं। तो भाषा के स्तर पर, और धीरे धीरे हमारी कोशिश ये है कि सभी भाषाएं भारत की हैं और भारत इन्हीं से बना है, तो भारत की राष्ट्रीय एकता भी इसी में से निकलेगी। तो ऐसा हमारा प्रयास है, आप सब लोग इसमें थोड़ा सहयोग करेंगे तो ये जरूर होने वाला है, नहीं करेंगे तो भी होने वाला है। अंतिम बात कहके खत्म करूंगा, क्यों होने वाला है ध्यान से सुनिए। भारत में जब भी कोई काम किसी सन्यासी ने शुरू किया है तो वो पूरा ही हुआ है। भारत एक ऐसा आध्यात्मिक देश है कि जहां सन्यासी कोई काम शुरू करे तो ईश्वर भी उसको पूरा कराता है। 3 उदाहरण देता हूं। हमारे देश में उस दौर में जब अंग्रेजों का साम्राज्य सारा छाया हुआ था, तब एक सन्यासी परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रयास किया देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। हमें इतिहास के दस्तावेज जो मिले उनको देखकर हैरानी होती है। अभी थोड़े दिन से मैं कुछ इतिहास के दस्तावेज पढ़ रहा हूं तो पता चला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से लड़ने की प्रेरणा परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो हार के निराश होके उदास होके बैठ गई थी, महल से बाहर चली गई। महल छीन लिया अंग्रेजों ने, पति छीन लिया ईश्वर ने, विधवा हो गई, अंग्रेजों ने संपत्ति छीन ली, कुछ बचा नहीं। तो एक बहुत छोटे से घर में झांसी के बाहर उसने विधवा का जीवन बिताना शुरू किया। उस समय परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा उसको हुई और उसने तलवार उठाई, और वही प्रेरणा फिर तात्या टोपे को हुई, उन्होंने तलवार उठाई, नाना साहब पेशवा को हुई, वासुदेव बलवंत फड़के को हुई, और ऐसे 732,780 क्रांतिकारियों को एक ही तरह की प्रेरणा हो गई, सन्यासी का संकल्प और क्रांतिकारियों उस संकल्प से मिली प्रेरणा, और लड़के आजाद करा लिया देश को। तो सन्यासी का संकल्प ऐसे पूरा होता है। एक और सन्यासी हुए, समर्थ गुरु रामदास, महाराष्ट्र में। उस समय औरंगजेब का शासन था पूरे भारत पर, औरंगजेब बहुत अत्याचारी क्रूर राजा था, आप सभी जानते, हिंदुओं को मारना पीटना, मुसलमान बनाना, हिंदुओं के जनेऊ काटता था, जनेऊ ना कटवाए कोई तो गर्दन काटता, बहुत अत्याचार किया। उस अत्याचारी औरंगजेब को खत्म होना चाहिए, ये पहला संकल्प था समर्थ गुरु रामदास का, और सन्यासी ने संकल्प लिया। तो देखो परमपिता परमात्मा ने 2 महान आत्माएं इस देश में भेज दी, एक थे गुरु गोविंद सिंह उत्तर भारत में, एक थे छत्रपति शिवाजी दक्षिण भारत, दोनों ने अंग्रेजों से लड़ा। आपको मालूम है गुरु गोविंद सिंह वो सिखों के 10वें गुरु थे जिनके बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया औरंगजेब के द्वारा, लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं बंद की, संघर्ष बंद नहीं किया, और एक दिन वो संघर्ष फला। 1707 में औरंगजेब का शासन पूरे भारत से खत्म हो गया और 1707 में औरंगजेब मर गया। अब मैं हैरान होता हूं बार बार ये सोचकर कि 300 साल का मुगल शासन 2 क्रांतिवीरों ने खत्म करा दिया, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, ये कैसे संभव है? ये परमपिता परमात्मा की कृपा हो तो संभव है। और ये परमपिता परमात्मा की कृपा कैसे हुई? एक सन्यासी का संकल्प था इसलिए। एक और सन्यासी हुए हमारे देश में, स्वामी रामानंद तीर्थ,
आपको मालूम है हैदराबाद आजाद कराने का संकल्प उन्हीं का था सबसे पहला, क्योंकि निजाम तो बोलता था कि मैं तो पाकिस्तान लेके जाऊंगा इसको। जूनागढ़ का नवाब कहता था मैं भी पाकिस्तान जाऊंगा अपने राज्य को लेकर। गोवा गुलाम था पुर्तगालियों का, जूनागढ़ हैदराबाद गुलाम था अपने अपने नवाबों का। उस समय स्वामी रामानंद तीर्थ ने संकल्प लिया कि भारत अगर आजाद है तो भारत की इंच इंच जमीन आजाद होनी चाहिए। अब देखो स्वामी रामानंद तीर्थ ने संकल्प लिया, भगवान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का गृह मंत्री बना दिया। वो भगवान की कुछ लीला थी, वरना उनको तो प्रधानमंत्री बनना था इस देश का, लेकिन बन गए वो गृह मंत्री। गृह मंत्री बनते ही उन्होंने जो प्रयास किए, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, ट्रावणकोर, भोपाल, ऐसी 565 रियासतें भारत में मिली और भारत सच में आजाद हुआ। मेरा कहना है कि जब जब सन्यासी संकल्प करते हैं ऐसा होता है। अब एक सन्यासी है स्वामी रामदेव जी, उन्होंने संकल्प ले रखा है कि भारत में स्वदेशीकरण होना चाहिए, भारतीयता होनी चाहिए, अंग्रेजी हटनी चाहिए, अंग्रेजों के कानून हटने चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, गरीबी भुखमरी बेकारी खत्म होनी चाहिए, बीमारियां खत्म होनी चाहिए, ऐसे उन्होंने संकल्प ले रखा। 1857 में हम परम पूजनीय स्वामी दयानंद जी के साथ थे, अब स्वामी रामदेव जी के साथ हैं, दोनों एक ही परंपरा के सन्यासी। और सन्यासी का संकल्प भारत में हमेशा पूरा हुआ है तो ये भी पूरा होगा। इसलिए मैंने कहा आप सहयोग करें तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी होगा, और जब हो जाएगा तब आपको अफसोस होगा, अरे हमने क्यों नहीं इसमें सहयोग किया। तो अफसोस ना करना पड़े 4 साल बाद, इसलिए आप इसमें सहयोग करें, ये काम तो होने वाला है। और कई बार मैं ये सोचता हूं कि ये शायद ईश्वर की योजना है, हम तो निमित्त मात्र हैं। ईश्वर चाहता है कि अब भारत का भला हो, अच्छा हो, क्योंकि बहुत बुरा हो चुका है अब तक। हर देश के इतिहास में एक दौर ऐसा आता है कि जब वो देश बिल्कुल नीचे गिर जाता है, फिर इतिहास में चक्र घूमता है, फिर वो देश ऊपर उठता है। तो अब ऐसा समय आया कि भारत को ऊपर उठना है, तो ईश्वर ने ये योजना बनाई, एक सन्यासी को भेज दिया, अब हम सबको इकट्ठा कर दिया उसके साथ। और अच्छी बात ये हो रही है कि वो सन्यासी के साथ और भी बहुत सारे सन्यासी इकट्ठे हो रहे। ये भारत स्वाभिमान अभियान में पता है इस समय परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी तो मुख्य सेनापति हैं, 70 और सन्यासी इसमें जुड़ चुके हैं, ये मालूम है आपको। परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, भारत माता मंदिर वाले, वो इसमें जुड़ चुके हैं। परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी महामंडलेश्वर, वो इसमें जुड़ चुके हैं। परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी, वो इसमें जुड़ चुके हैं। परम पूजनीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती कामकोटी कांचीपुरम, वो इसमें जुड़ चुके। परम पूजनीय मुरारी बापू, वो इसमें जुड़ चुके। परम पूजनीय सुधांशु जी महाराज, वो इसमें जुड़ चुके। परम पूजनीय प्रणव पंड्या गायत्री परिवार, वो इसमें जुड़ चुके। 70 ऐसे बड़े बड़े संत तो जुड़ चुके हैं, शायद अगले 4 साल में 100-150 और जुड़ेंगे। और एक दिन मैंने सोचा कि ये सारे संत अगर देश में घूम गए तो क्या मुश्किल है। एक दिन मैंने ये सब संतों के भगतों को जोड़ना शुरू किया कि इनके भगत कितने, तो 50 करोड़ से ज्यादा तो इनके भगत हैं देश में। अगर ये सारे संत एक स्वर से एक बात कह देंगे तो 50 करोड़ लोगों के लिए तो पत्थर की लकीर है वो, तो मुश्किल क्या है। जिस देश के 50 करोड़ लोग एक तरफ हो जाए वहां तो कुछ भी संभव है, संसद बदल जाएगी, संविधान बदल जाएगा, कानून बदल जाएंगे, क्योंकि संविधान बदलने के लिए जितनी ताकत चाहिए 50 करोड़ लोग तो बहुत होते हैं। 411 सांसद अगर आपके पास हैं तो आप संविधान बदल सकते हैं, कानून बदल सकते हैं, भाषा अंग्रेजी को हमेशा के लिए दफन कर सकते हैं, कोई चू नहीं करेगा देश में। हिंदी को जहां बिठाना है राष्ट्रभाषा के रूप में वहां बिठा सकते हैं, हर काम हम कर सकते हैं। तो ये सन्यासी भी अब इकट्ठे हो रहे हैं और आप भी इकट्ठे हो रहे हैं, सन्यासी भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम सब इकट्ठे होकर अब भारत का भला कर ही लेंगे, क्योंकि ईश्वर भी यही चाहता है और आने वाला समय
यही बता रहा है, क्योंकि शुरू हुआ है सारी दुनिया में एक खेल जो ईश्वर का किया हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है। जिस अमेरिका ने हमारी गुलामी को पक्का किया था, विंस्टन चर्चिल और क्लेमेंट एटली को पत्र लिखे कि भारत को वेस्टर्न ऑर्बिट में ही रखना है, वो अमेरिका अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की राजनीति, अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था सब धीरे धीरे कमजोरी की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका देश पूरा का पूरा कमजोर हो रहा है, उनके लोगों का जो हेकड़ी और अहंकार था वो सब निकल रहा है धीरे धीरे। और आज अमेरिका जैसे देश को भारत की चिरौरी करनी पड़ रही है न्यूक्लियर बिल पास कराने के लिए कि हमारी कंपनियों को भारत में आने दो नहीं तो हम भूखे मरने वाले। तो अब अमेरिका नीचे आएगा तो यूरोप और नीचे आएगा। यूरोप के कई देश दिवालिया हो चुके हैं, आपको मालूम है, उन्होंने ऊपर से ढपोर शंखी अपना आवरण ओढ़ रखा है, अंदर से सब दिवालिया। ब्रिटेन दिवालिया हो चुका है, ग्रीस पूरा दिवालिया हो चुका है, स्पेन की हालत बहुत खराब है, पुर्तगाल और बुरी हालत में है, 23 देश यूरोप के लगभग दिवालिया हो चुके हैं, अमेरिका लगभग दिवालिया है। आज अमेरिका इतना कर्जदार है कि चीन देश अगर अमेरिका से कल ये कह दे कि मेरे सारे पैसे वापस कर दो, अमेरिका की एक एक पाई बिक जाएगी और वो चीन का कर्जा नहीं चुका पाएगा। चीन ने खरीद लिया पूरे अमेरिका को, इतना बुरा हाल है अमेरिका का। तो अमेरिका जाएगा नीचे, यूरोप जाएगा नीचे, तो पक्की बात है भारत आएगा ऊपर, क्योंकि एक पूरब है एक पश्चिम है, पश्चिम नीचे आएगा तो पूरब ऊपर आएगा। और पहले भी ऐसा ही था, एक जमाने में पूरब ऊपर था तो ये पश्चिम बिल्कुल गर्त में था, अब फिर वही चक्र चल रहा है। तो ईश्वर की भी योजना यही है कि अब पश्चिम नीचे आए पूर्व ऊपर उठे, और आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे तो श्रेय आपको मिलेगा, करवाएगा तो वो, क्योंकि योजना तो उसकी है। आप तो वैसे ही श्रेय पा जाओगे, तो मैं तो आपको निमंत्रण देने आया कि आ जाओ जल्दी से इसमें, 4 साल बाद जब ये सफल होगा तो श्रेय आपको मिलेगा, करवाएगा तो परमपिता परमात्मा, हम तो निमित्त हैं। और सारे साधु संन्यासी और संतों का आशीर्वाद धीरे धीरे जिस एक काम पर केंद्रित हो जाता है उस काम में शक्ति बहुत आ जाती है, क्योंकि सन्यासी का अपना कुछ नहीं होता, वो जो करता है समाज के लिए करता है, राष्ट्र के लिए करता है, और शायद ईश्वर इसलिए सन्यासियों की भरपूर मदद करता है। तो अपना भारत विश्व गुरु फिर बनेगा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं विश्व भाषा बनेगी, ऐसा हमें सपना देखना है। और इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत तन मन धन लगा देना है, यही भावनाएं लेकर मैं आया। आज हिंदी दिवस पर आप एक संकल्प लेकर जाएं कि अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा ही ना बने, विश्व भाषा बने। और मैंने एक ही बात कही वो ध्यान रखने की है, भाषा का जितना ज़्यादा उपयोग होता है उसकी ताकत उतनी बढ़ती है। तो हिंदी का उपयोग आप अपने जीवन में इतना बढ़ा दीजिए कि राष्ट्र की ये ताकत बने, फिर एशिया खंड में बढ़ जाए इसका उपयोग तो ये एशिया की ताकत बने, फिर विश्व में, तो विश्व में ये ताकत बन जाए, विश्व भाषा बन जाए। मेरा इशारा है संयुक्त राष्ट्र जिस दिन इसको स्वीकार कर लेगा उस दिन ये विश्व भाषा हो जाएगी, और उसके लिए हम सब लगेंगे प्राणपण से। इसी भावना से ईश्वर हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, हमारी सद्बुद्धि को सही काम में लगाए रखे।